Am I audible? Yes. Hi everyone. Am I audible to you all? कैसे हो बच्चों? Am I audible to you all? Hi Dinesh. Hi everyone. A very good evening to all of you. Welcome to Vedantu Olympiad School. I am your master teacher Ambika Sharma. After so long, मैं NSEJS के बच्चों के साथ मिल रही हूँ. Hi everyone. कैसा रहा तुम लोगों का पेपर? Tell me. कैसा रहा तुम लोगों का पेपर? Yes. Good evening. मतलब एक्सपेक्टेड था जितना तुम्हें लग रहा था कि तुम लोग इस तरह से इतना स्कोर कर लोगे, क्या वैसा ही था? जैसी तैयारी की थी उस तरह का पेपर था? हार्ड था, डिफिकल्ट था, क्या था? हार्ड था, सीरियसली टफ. वैसे बायो देख के मुझे ऐसा लगा तो नहीं है. चलो कोई बात नहीं. अब जो हुआ सो हुआ. अब एक बार पेपर डिस्कस कर लो. माइट भी तुम्हें लग रहा हो पेपर टफ था पर पेपर इजी हो, या तुम लोगों को काफी कुछ आता हो और तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया हो. करें शुरू. अच्छा, बैड बिकॉज ऑफ बायो, ऐसा मत कहो. मेरे आंसू आ जाएंगे बच्चों, आंसू आ जाएंगे. चलिए सो शुरू करते हैं बच्चे पेपर का डिस्कशन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट. सो कितने बच्चों को लगता है कि बायो का पेपर डिफिकल्ट था? कितने बच्चों के लिए इजी था? कितने बच्चों के लिए डिफिकल्ट था? और साथ में फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी बता दो कि हाँ यहाँ पर लाइव पेपर डिस्कशन स्टार्ट हो गया है. अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट विल से इट्स वर्स्ट. सीरियसली ऐसा ना बोलो. ऐसा क्यों? बायो वॉज ईजी. देखा, बायो ईजी थी बहुत सारे बच्चों के लिए. ईजी थी बहुत सारे बच्चों के लिए, टफ भी थी. मॉडरेट, सिंपल, डिफिकल्ट. सो चलो शुरू करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन. ठीक है, सो हियर वी हैव दिस क्वेश्चन बच्चे. ये तो मुझे बहुत ईजी क्वेश्चन लगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम लोगों को क्वेश्चन आता भी था. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि कुछ प्लांट्स और फंजाई में सम सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड व्हिच कन्वर्ट द लिपिड्स to sugar in early stages of oil seed germination. What are these? So बच्चे, what should be the correct answer? I think all of you know that. नहीं, तुम सबको इसका आंसर पता है. Isn't it बच्चों? Tell me quickly. जल्दी. और साथ में एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो. It's your responsibility to do that. हाँ, कई सारे बच्चे सही आंसर लिख रहे हैं. बच्चों बिल्कुल सही है. इसका करेक्ट आंसर ए होने वाला है. इट इज द ग्लाइऑक्सिजोम. एक माइक्रोबॉडी है, एक छोटी सेल ऑर्गेनल है और इसका काम क्या है? ये लिपिड को शुगर में कन्वर्ट करती है इन द अर्ली स्टेजेस. सो देयर वाज अ टाइम जब मैं भी क्लासेस लेती थी, प्लांट फिजियो के कुछ टॉपिक्स मैंने भी पढ़ाए और इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो किसका ये क्वेश्चन सही था? किस बच्चे का ये क्वेश्चन सही था? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख दो. एक बार मुझे बता दो किस बच्चे का ये क्वेश्चन सही था. यस, जल्दी. पूरी एनर्जी, सेम एंथुसियाज्म के साथ. सही था, पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है सुचेता. वेरी गुड आरुष, वेरी गुड. एक्सीलेंट. व्हाट अबाउट अदर्स? फिर चलो अगला क्वेश्चन आ गया कि इन द एनालिसिस ऑफ वेस्ट वाटर ई कोलाई इज यूज्ड एज. कैसे यूज होता है ये ई कोलाई, एशर्शिया कोलाई? तुम्हें पता है इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. राइट बच्चों, इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. क्या है ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. सो जब वेस्ट वाटर का एनालिसिस किया जाता है, सो ई कोलाई किसके लिए यूज किया जाता है? क्या एक ऑर्गेनिज्म है जो यूज किया जाता है फॉर परफॉर्मिंग अ प्लेट काउंट और एन इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटामिनेशन ऑफ द वाटर, इंडिकेटर ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन वाटर और अ मेजर ऑफ अमीनो एसिड कंटेंट. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही. एक्सीलेंट बच्चों, हियर द करेक्ट आंसर इज बी. ये किस किस बच्चे का सही हुआ? वेरी गुड. सो इतने सारे बच्चे, साथ में लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को. जल्दी से एक बार लाइक और शेयर भी कर दो. वेरी गुड. सो ये मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. राइट. सो ये किस चीज का इंडिकेटर है? फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर का इंडिकेटर है. वेरी गुड, वेल डन. अब अगला क्वेश्चन कि जो एसिड रेन है ये डैमेज करती है सॉइल एंड लेक्स को और इसका हाई लेवल डिपोजिशन इट हैज डैमेज्ड द हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट since being encircled by acidic fogs and clouds. It also affects aquatic plants and animals. Which pH range is most suitable for the survival of aquatic biota? इसका आंसर बताओ बस बच्चे वेदन। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आने वाली है। लेट्स फिनिश द बायोलॉजी फर्स्ट, गुड, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम हमें इसे नहीं लगेगा। तुम लोग साथ के साथ बताते जाना जिस बच्चे का सही है। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। What should be the correct answer here? बच्चे it's B for Bombay. It's 6.5 to 7.5. Yes, this is the correct answer. So ये कितने बच्चों का सही रहा? कितने बच्चों का ये आंसर सही रहा? कितने बच्चों का ये आंसर सही रहा? Very good, very good, very good. थोड़ी स्माइली स्माइली, थोड़ी एक्साइटमेंट। सही रहा तो हंसने वाला स्माइली भेज दो, अगर नहीं रहा तो भाई रोने वाला इमो भेज दो, नहीं अटेम्प्ट किया तो न्यूट्रल। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टीरॉयड हॉर्मोन्स इंक्लूडिंग सेक्स हॉर्मोन्स, पता है ना सेक्स हॉर्मोन्स एंड्रोजेंस भी कहते हैं हम इन्हें, एंड यस दे आर ऑफ स्टीरॉयडल नेचर, राइट। और इवन एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल पता है ना, कैप ऑफ द किडनी, cap of the kidney, adrenal cortex is there, adrenal medulla is there, medulla is there. So ये जो adrenal cortex है यहाँ से भी, right, और ये जो तुम्हारे sex hormones है, right, क्या है ये steroid hormones है। So intensity के base पर, based on the intensity of action, which of the following ovarian hormone is produced in large amount? So what should be the answer here? Yes बच्चे very good शाश्वत, कार्तिक, लक्ष्मी, आदित्य, शौर्य, अचला, आदित्य, very good पूनम, आंसर इट। ये स्किप कर दिया, स्किप कर दिया, कोई बात नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी है, दैट इज एस्ट्राडायोल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? इट इज सी, दैट इज एस्ट्राडायोल बच्चे, राइट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? इट इज सी, दैट इज एस्ट्राडायोल। डन डन, ठीक है। ये किस किस का सही है? ये किस किस का सही है? छोड़ दिया, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। In the vertebral column of man, there are about 26 vertebrae. So which of the following is related with the pelvic region? पता है ना, पूरा फॉर्मूला तुम लोगों को याद होगा वर्टिब्रल कॉलम का। हमारे पास 26 वर्टिब्रे आ जाते हैं आफ्टर फ्यूजन, बिफोर फ्यूजन इट इज 33, राइट। बिफोर फ्यूजन इट इज 33, आफ्टर फ्यूजन इट इज 26। सो हम करते हैं ना CTLSC। यहाँ पर सैक्रम 5 के फ्यूजन से बना है, कोकाइजियल भी 4 के फ्यूजन से बना है। सो यहाँ पर क्या पूछा है? पैल्विक रीजन का। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सैक्रल। व्हाट शुड बी द आंसर हियर? इट्स सी, इट्स सैक्रल। ये किस किस का सही है? ये किस किस बच्चे का सही है? जल्दी, किस किस बच्चे का सही है? स्केलेटन का पता तो होगा ना, ऐसे कर्व्ड सा स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है। हमारी स्पाइनल कोड को, वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो CTLSC, व्हाट डू वी हैव? CTLSC, ठीक है। इसका आंसर सी है बच्चों, सी। सो अब ये बताओ, देखो EMP पाथ पूछा है, एमिडन मेयरहॉफ पैरनस पाथवे। किसको बोलते हैं हम? हमारे ग्लाइकोलिसिस को ही बोलते हैं, हमारे ग्लाइकोलिसिस को ही बोलते हैं। यस और नो, यस और नो। अच्छा, स्किप दिस होल चैप्टर दिनेश, सीरियसली। ग्लाइकोलाइसिस को ही बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताओ यार, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो एक बार। बोलते हैं हम लोग। सो एंजाइम्स जो, ये देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में पूछा है। सो जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, देयर आर 2 स्टेप्स, राइट बच्चे। सो ग्लाइकोलाइसिस इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस, राइट। ये थोड़ा बेसिक तो मैं बता रही हूँ। इट्स अ 10 स्टेप प्रोसेस, जिसमें से 2 स्टेप्स है 7वां और 10वां, जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। उसी सबस्ट्रेट से एडीपी को एक फॉस्फेट देके एटीपी बनाया जाता है, राइट, एटीपी बनाया जाता है। सो इसीलिए यहां पर आंसर है 7th स्टेप और 10th स्टेप, राइट। यही क्वेश्चन था कि इन द फॉलोइंग ईएमपी पाथवे एंजाइम्स जो कैटालाइज कर रही है रिएक्शन को, दे आर नंबर्ड E1 to E10, at which enzyme levels ATPs are generated at substrate level, right? ATPs are generated at substrate level. So क्या हो जाएगा? 2 स्टेप्स है, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 10, ठीक है। ये डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना, एक ये, और ये तुम्हारा फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड से पाइरूविक। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। जिसका ये सही हुआ उसके लिए बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका गलत हुआ, अब हो गया, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, हो सकता है तुमने कहीं और कंपनसेट कर दिया हो। सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, 2 स्टेप्स याद रखना फ्यूचर के लिए भी, 7th और 10th फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। चलिए A thick whitish band of semicircular nerve fiber is found bulging upon the inner surface of dorsal wall of each cerebral hemisphere. So सबसे पहली बात cerebral hemisphere की बात हो रही है। हमें पता है बच्चे कृष्णा दो हाफ होते हैं हमारे पास और दोनों हाफ किससे जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? तुम्हारे कॉर्पस कैलोजम से। तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत आराम से लिखा है सुचेता ये, राइट? बहुत आराम से लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में ये कॉर्पस कैलोजम। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर गाइस? कॉर्पस callosum. D is the correct answer. Which answer is the correct one? It is the D which is the correct one, right? It is the D which is the correct one. पढ़िए NCERT, पढ़िए NCERT। दो हाफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? ये ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर कनेक्ट करता है। कॉर्पस कैलोजम, इट इज कॉर्पस कैलोजम। भूल गए? अरे ये नहीं करना। अब देखो एनिमल क्लासिफिकेशन की बात हुई है, तुम्हें पता है सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट? बिल्कुल सही, सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इन एडिशन टू ट्रूली बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल एक्सेप्शनली सम अदर एनिमल्स आल्सो एग्जिबिट बायलैटरल सिमेट्री, राइट? ये कह रहा है कि कुछ मतलब ट्रूली बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स के अलावा कुछ अदर एनिमल्स भी हैं जहां बायलैटरल सिमेट्री है। सो इसकी एग्जाम्पल दो। देखो बच्चे बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है, जैसे हम लोग भी हैं, राइट? सिर्फ एक प्लेन, ओनली वन प्लेन, टॉप से बॉटम मतलब कोई भी एक प्लेन बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा। बायलेटरल, बाय मींस टू, लेटरल मींस साइड, बाय मींस टू, लेटरल मींस साइड। सो एक प्लेन में जैसे मान लो टॉप से बॉटम तक ऐसे किसी ने एक ऑर्गेनिज्म को या मुझे ही डिवाइड किया तो दो इक्वल हाफ्स आ जाएंगे, राइट और लेफ्ट। समझ रहे हो? ये है बायलेटरल सिमेट्री। दूसरा जैसे रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल हो तो स्टारफिश को माइंड में रखो कि एनी प्लेन कैन डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ। सो यहां पर अगर आंसर बताना हो तो वो आएगा तुम्हारा जियार्डिया। पता है जियार्डिया के बारे में? ये भी डायरिया करता है। इसको हम ऐसे बोल देते हैं, इसके लिए एक और चीज यूज होती है, ओल्ड मैन फेस। कुछ इस तरह का लगता है, समझ रहे हो? कुछ इस तरह का लगता है। इस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस है, लंबे लंबे से फ्लैजेला है, तुमने देखा होगा, देखा होगा। सो यहाँ पे हम लोग बायलेटरल सिमेट्री देखते हैं बच्चे। ओबेलिया में नहीं देखते, जो बच्चे सी कह रहे हैं, क्योंकि ओबेलिया में रेडियल सिमेट्री आ जाती है, राइट? यहाँ रेडियल सिमेट्री आ जाती है। सो ये क्वेश्चन किस किस बच्चे का सही हुआ? फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता दो, फटाफट एक बार चैट बॉक्स में बता दो। जिसका तुक्का भी लगा है वो भी बता दो। जल्दी बच्चे। काइनोडर्म्स तो तुम्हारी स्टारफिश आ गया ना, स्टारफिश वाली फाइलम, ठीक है, ठीक है। चलिए आंसर इज ए। सो नेजल ग्रैन्यूल्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैं एक डायग्राम बनाऊंगी ना तुम उसी के बेसिस पर सारा समझ जाओगे। नेजल ग्रैन्यूल बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चे। यहां तक कि ये भी मतलब सब कुछ एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से बाहर से तो कुछ नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर से तो कुछ नहीं है। अब ये डायग्राम देख के तुम लोग थोड़ा कुछ पहचान लो, कुछ पहचान लो। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? What should be the correct answer? बिल्कुल सही, nasal granules are in fact they are the RNA bodies. Basically ये RNA और तुम्हारे rough endoplasmic reticulum के aggregates हैं, right? तुम्हारे RNA और rough endoplasmic reticulum के aggregates हैं and their function is of protein synthesis. प्रोटीन बनाने का काम किया जाता है यहाँ पर। किसका काम किया जाता है? प्रोटीन बनाने का काम किया जाता है। सो ये तुम्हें न्यूरॉन्स में मिलेगा। कहां पर? यहां सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में, सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में। एक्सन में नहीं मिलता, ये भी लिख लेना चाहिए। इन एक्सन, इन मतलब इन बेसिकली दिस एक्सोप्लाज्म इट्स एब्सेंट, वहां पर ये एब्सेंट है, यहां पर तुम्हें ये मिल जाएगा। सो नेजल ग्रैन्यूल। सो यू नो द करेक्ट आंसर, इट्स सी, राइट? यू नो द करेक्ट आंसर, इट्स सी। किस किस बच्चे का ये वाला क्वेश्चन सही हुआ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, राइट? किस किस बच्चे का सही हुआ? वेरी गुड, स्पीड अप, स्पीड अप। श्रेयांश ने बिल्कुल सही कहा कि बायो इजी थी, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं ये, बहुत बढ़िया। चलिए सो अगला क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास? वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द वायरसेस। वायरसेस के ऊपर क्या एप्लीकेबल नहीं है? सो प्रोटीन कैप्सिड ऑफ द वायरस डज नॉट एंटर द होस्ट सेल, बिल्कुल सही, क्योंकि इट इज द जेनेटिक मटीरियल विच विल एंटर द होस्ट सेल, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटीरियल होस्ट सेल में एंटर करेगा, right? The genetic material is either DNA or RNA, never both. Again NCERT statement बिल्कुल सही, या DNA होगा या RNA होगा, दोनों कभी नहीं होंगे, right? So virion replicates autonomously outside the host. आउटसाइड द होस्ट तो कुछ नहीं होने वाला, इन्हें एक लिविंग बॉडी चाहिए, उसकी मशीनरी यूज करेंगे और फिर खुद को रेप्लिकेट करेंगे. सो यहाँ पर जो हमारा कौन सी स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है वायरसेस पर, इट्स सी, राइट? इट्स सी विच इज द करेक्ट आंसर. फाइन बच्चे, इट इज द सी विच इज द करेक्ट आंसर. डन. चलिए, सो कार्ल लिनायस, इनका नाम तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, जो कि एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे. तुम्हें पता है ही इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एज वेल. सो उनको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए क्रेडिट मिला था ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. व्हाइल यूजिंग बाइनोमियल्स ही डिवाइज्ड अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. हिज क्लासिफिकेशन इज, ये इजी है, हिज क्लासिफिकेशन इज, फटाफट. ठीक है, ठीक है बच्चे, फ्यूजन कोडर जल्दी से फास्टली चलते हैं, एक बार इसका आंसर बता दो, एक बार इसका आंसर बता दो फटाफट. बिल्कुल सही, इसका आंसर रहेगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर. अब सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं. सो यहां पर आ गया कि 19th सेंचुरी फार्मर्स इन जापान फाउंड दैट सम सीडलिंग्स ऑफ राइस, राइट, बिकेम वेरी टॉल, दे कॉल्ड इट बेकेन्स डिजीज. पढ़ा होगा तुमने, जैसे ही बेकेन डिजीज का नाम आ जाए ना, एक ही नाम आती है, कौन सा, क्या तुम्हारा जिब्रेलिन. जिब्रेलिन याद है, एक फंगस की वजह से बोला जाता था कि एक फंगस है जिसकी वजह से ग्रोथ इस तरह से हो रही है, क्योंकि वहां पर एक केमिकल है, वहां पर कुछ कंपाउंड है, और वो कौन है, तुम्हारा जिब्रेलिन. ये तो सीधा सीधा उसके हम लोग डिस्कस करते हैं ना प्लांट हार्मोन्स में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में करते हैं, जैसे वो कॉल्यूटाइल का टिप वाला हम लोग ऑक्सिन में बात कर लेते हैं, इथाइलिन में ट्रिपल रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं, और जब जिब्रेलिन की बात करते हैं तो पहले ये वाली डिस्कवरी डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट हार्मोन ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट प्लांट हार्मोन को ही ढूंढ रहा था, नहीं, सबकी डिस्कवरी बाय चांस है, सारे प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरी बाय चांस है, सेरेंडिपिटी, बाय चांस डिस्कवरी इट इज. सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, इट्स द जिब्रेलिन, इट्स द जिब्रेलिन. ये किसका सही हुआ, ये किसका सही हुआ, ये किस बच्चे का सही हुआ, बिकॉज इट इज वेरी 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 इजी, वेरी इजी इट इज. अब ये देखो, अब तुम्हें पता है कि एंजियोस्पर्म्स के केस में होती है डबल फर्टिलाइजेशन, तुम्हें अच्छे से पता है. यस बच्चे ओजस, तुम लोगों को दीक्षा पता है कि एंजियोस्पर्म्स के केस में होती है डबल फर्टिलाइजेशन. सो जब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट, हमें पता है जो ओव्यूल है, देखो बच्चे ओव्यूल है हमारे पास, आउटर इंटेग्यूमेंट्स आ गया, इनर इंटेग्यूमेंट्स आ गया, इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट्स आ गया. अब तुम्हें पता है कि यहां, एक सेकेंड, हाँ, सो यहां पर लेट्स से तुम्हारा ये एम्ब्रियो सैक है, ये माइक्रोपाइलर एंड है. सो अगर तो बच्चे, अगर तुम्हारी पोलन ट्यूब यहां से आ रही है, माइक्रोपाइल से अंदर एंटर कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी, राइट. सो ये तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड है, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स ने कवर नहीं किया, जहां पे ओपन है, और इसके ओपोजिट वाला पार्ट क्या आ जाता है हमारे पास, इसके ओपोजिट वाला पार्ट क्या आ जाता है बच्चे हमारे पास, वो आ जाता है चेलेजल एंड, राइट, चेलेजल एंड. सो ये देखो, इस डायग्राम को देखो, ये है तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड, सी दिस, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड. सो जब पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है, दैट इज पोरोगैमी. सो ए इज पोरोगैमी. सो मैंने ये ऑप्शन भी कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल कर दिया. अब बी में माइक्रोपाइल से ऑपोजिट एंड कौन सा होता है, चेलेजल एंड. माइक्रोपाइल से ऑपोजिट एंड कौन सा होता है, चेलेजल एंड. चेलेजल एंड से आया, इट इज चेलेजोगैमी, राइट. सो सी बचा, उसको लगा दो मीजोगैमी. यू गॉट योर आंसर, दैट्स बी, राइट, दैट्स बी. सो ये किस किस का सही हुआ, ये किस किस का सही होगा, फटाफट बताओ ये किस किस का सही है, फटाफट. और इतने सारे बच्चे सेशन देख रहे हैं, सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर दो एक बार, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो, राइट. सो करेक्ट आंसर हियर इज बी बच्चे. सो ये आ गया अगला क्वेश्चन कि इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी लाइक बॉटल गॉर्ड, पंपकिन, वाटरमेलन, मस्कमेलन, दे हैव लार्ज फ्रूट्स व्हाइल देयर स्टेम्स आर यूजुअली नॉट मोर देन अ फिंगर थिक. सो यहां पर फूड को ट्रांसलोकेट करने में, लीव से फ्रूट्स तक फूड को ट्रांसलोकेट करने में कौन मदद करता है, इसका आंसर बताओ फटाफट, एक बार बताओ जरा चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी एक बार बता दो जरा चैट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर. यस एवरीवन, फटाफट इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर देखो कुकुरबिटेसी का फीचर है बच्चे, राइट, कुकुरबिटेसी में एनाटॉमिकल फीचर है ये, राइट, वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर तुम्हारे बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, ये कुकुरबिटेसी का फीचर है, यहाँ पर बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो यहाँ जाइलम है, इधर भी फ्लोएम, इधर भी फ्लोएम, लाइक दिस, सो द डायरेक्ट आंसर हियर इज सी। फाइन, कुकुरबिटेसी लिखा है, सो कोई और आएगा ही नहीं थॉट, इसका आंसर आ जाएगा सी, राइट, इसका आंसर आ जाएगा सी। डन बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन। इन सम बर्ड ब्लैक प्लूमेज जीन इज डोमिनेंट over white plumage gene, so one black bird was mated with white feathered bird, it resulted in all chicks with blue plumage। अब अपने आप देखो, हमने क्या किया, हमने ब्लैक और व्हाइट को जब क्रॉस करवाया हमारे पास ब्लू कलर आया। अब इसको तुम किसी और से भी रिलेट कर सकते हो, तुमने एक फिनोमेना जेनेटिक्स में पढ़ा है जिसको तुम लोग कहते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं हम लोग उसको, हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। What's that? Incomplete dominance. So अभिनव बच्चे जब incomplete dominance आ गई तो रेशो क्या रहेगी, 1:2:1। याद है किसी को? रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर से जब क्रॉस करवाया तो आया क्या, पिंक कलर का फ्लावर, राइट, पिंक कलर का फ्लावर। समझ रहे हो? तो क्या है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन कौन सी एग्जाम्पल पढ़ी है, 4 o'clock प्लांट की भी एग्जाम्पल पढ़ी हुई है हमने, पढ़ी है उसमें 4 o'clock प्लांट की, मिराबेलिस जेलेपा। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब एक हो जाएगा ब्लैक, ये नहीं है, एक हो जाएगा ब्लैक, एक हो जाएगा व्हाइट, 2 हो जाएंगे ब्लू। सो हियर द आंसर शुड बी ए। क्या रीजन है तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे फ्लावर के केस में पढ़ते हैं ना हम लोग, रेड कलर का फ्लावर, व्हाइट कलर का फ्लावर, लेकिन F1 इंडिविजुअल इज हैविंग द पिंक कलर, राइट, F1 इंडिविजुअल इज हैविंग द पिंक कलर। एंटी रहनम दिनेश, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। द एडजेसेंट डायग्राम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तुम लोग अपने पेपर में देख सकते हो। सो यहाँ पर बच्चे एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन बताई गई, राइट, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन बताई गई है प्लांट पिगमेंट की, राइट बच्चे। सो यहाँ पे पिगमेंट का सीक्वेंस पूछा है, ये तो तुम्हें ये देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि ये क्रोमेटोग्राम है, राइट। सो यहाँ पे बच्चे जो वर्ड दिया है, जैसे अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, सो कैरोटीन्स, ठीक है, कैरोटीनोल्स वर्ड है, इट शुड बी कैरोटीनोइड। सो ये जेंथोफिल के रेफरेंस में तुमको आंसर दिया गया है, राइट, जेंथोफिल के रेफरेंस में तुमको आंसर दिया गया है। सो यहां पर ये करेक्ट आंसर है कि क्लोरोफिल बी, ए, कैरोटीनोइड्स, कैरोटीन्स, ये रहेगा तुम्हारे पास, राइट, ये रहेगा तुम्हारे पास एज पर मी। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें भी हम लोग एक बार चेक करेंगे, बट येस एज पर दैट इट इज द करेक्ट आंसर, राइट, इट इज द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर है, राइट, इतना क्लियर है, ठीक है, इसको मार्क कर लो सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने ऊपर नहीं देखा है, अगर किसी कोई बच्चा मतलब नहीं है इतना अवेयर, उसने सोचा कि ठीक है जो है ठीक है, क्या ही ज्यादा देखना, राइट, कहना चाहती है क्या ही ज्यादा देखना, साहित्य, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें तब मार्क्स मिलेंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स है, करेक्ट आंसर्स है। सो यहाँ पे बच्चे तुम्हें सारे आंसर्स को अगर तुम मार्क करते हो कि हाँ जी जितनी भी करेक्ट ऑप्शन है सबको, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स। सो अगर तुम पहले क्वेश्चन की बात करो, ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करो, सो यहाँ पर प्री हिस्टोरिक मैन किसको बोलते हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं प्रायर टू एप मैन तुम्हारा ड्रायोपिथेकस आ जाता है, तुम्हारा रामापिथेकस आ जाता है, फर्स्ट एप मैन तुम्हारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस आ जाता है, उसके बाद तुम्हारे प्री हिस्टोरिक मैन है, राइट, उसके बाद तुम्हारा प्री हिस्टोरिक मैन है। सो यहां पर आंसर है तुम्हारा बी और डी, राइट, एक तो होमो हेबिलिस टूल मेकर, होमो हिडल बर्जेंसिस, राइट। अगर मैं इसका तुम्हें बताऊं जैसे ड्रायोपिथेकस, फटाफट लिख रही हूं मैं, रामापिथेकस, राइट, उसके बाद क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, डरा H2HE NFS। सो यहां पर तुम्हारे पास आ जाते हैं होमो सेपियंस, राइट, यहां पर नियंडरथेलेंसिस आ जाएगा, फॉसिलिस आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा होमो सेपियंस सेपियंस। सो ये जो तुम्हारा होमो इरेक्टस है इसकी 3 सब स्पीसीज मिलती है। जावा एप मैन तुमने सुना होगा, हिडलबर्ग मैन तुमने सुना होगा, इसीलिए जो प्री हिस्टोरिक मैन है ये वाली चीजें वहां आ जाती हैं ये। सो होमो इरेक्टस की आगे सब स्पीसीज है, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड डी, राइट। दैट इज वाई करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड डी। बच्चे समझ में आ गया, इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा, इट्स बी एंड डी। फाइन, इट्स बी एंड डी। कोई और डाउट? यस, यहां तक कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही है पहले ये बताना जरा, यहां पर कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही है जरा ये बताओ फटाफट, कितने बच्चों के? सबका सही है? हाँ, एक मिनट। फाइन, चलिए एक मिनट रुक जाओ, अब मैं यहां पे तुम्हें बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहां तक मुझे बता दो किसके कितने सही है, किसके कितने सही है? सारे क्वेश्चन आंसर सही है तो बहुत बढ़िया है, अगर कोई गड़बड़ हो रखी है तो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंगली मार्क्स कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद तुम्हारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ। सो यहाँ पर क्या पूछा है, डिजीजेस पूछी है जो किसकी वजह से होती है, दे आर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस। पता है ना विटामिन बी के बारे में हम लोग बोलते हैं ए डी ई एंड के, फैट सॉल्यूबल विटामिन बी एंड सी तुम्हारे वाटर सॉल्यूबल है, प्लस जो बी है उसके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, राइट। जैसे मैं हाँ तो जैसे तुम लोग पढ़ते हो थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, ये सब कुछ पढ़ते हो राइट, पेंटोथेनिक, पेरिडॉक्सिन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। फॉलिक एसिड हो गया, पहले बायोटिन है, फॉलिक एसिड है, कोबेलामाइन है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। सो ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस है। सो इसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज हुई, राइट, कौन कौन सी डिजीज हुई। सो बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर तुम्हारा रहेगा ए, बी एंड सी। देखो जिसको पता है मेरिस्मस और क्वाशियोरकर का, उस बच्चे को क्लियरली पता होगा कि ये प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। मेरिस्मस और क्वाशियोरकर क्यों है, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन की वजह से, राइट। कहीं पे प्रोटीन की कमी डेफिशिएंसी है, कहीं प्रोटीन प्लस कैलोरी दोनों डेफिशिएंट है, लेकिन बाकी तीनों के तीनों किसकी वजह से है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की डेफिशिएंसी की वजह से, जहां बेरी बेरी है, पेलेग्रा है, चिलियोसिस है, पर्नीशियस एनीमिया है, डर्मेटाइटिस है, और ये तुम्हारा वर्निके कोर्सैकॉफ सिंड्रोम है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी। फाइन, ए, बी एंड सी, ठीक है, ठीक है। सो क्वाशियोरकर और मेरिस्मस तुम्हारा किसकी वजह से आ गया, ये तुम्हारा है प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, राइट, राइट, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया? किसी को यहां पे कोई डाउट, किसी को यहां पे कोई डाउट? बच्चे इट इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट यहां पे? डन, श्योर, आर यू श्योर एवरीवन? चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एनी सीजन एक बायोलॉजी टीचर मेरे जैसी बच्चों को लेके गई प्लांट कलेक्शन टूर के लिए, राइट, प्लांट कलेक्शन टूर के लिए। सो वहां पर एक पॉन्ड में उन्होंने क्या किया, एक बीकर में वाटर कलेक्ट किया, राइट, उसमें क्या थे, एक्वाटिक प्लांट्स थे, ठीक है। सो बच्चों को ये बताना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे। अब भाई रेन वाटर एक पॉन्ड में से कलेक्ट किया है, मरीन तो नहीं है, सो जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म होगा उसको तो तुम लोग डायरेक्ट कट कर दो, समझ में आया, उसको तो तुम लोग डायरेक्ट कट कर दो। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो है ए, बी एंड डी, राइट। और क्या पूछा है इन्होंने कि एक्वाटिक प्लांट्स को वो लेके आए हैं, राइट। अब तुम्हें पता है मार्केशिया ब्रायोफाइट, राइट, ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, नीटम तुम्हारा एक जिम्नोस्पर्म है, क्या वो मिल सकता है तुम्हें उस एक्वाटिक प्लांट में? नहीं। सो दैट इज व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी, राइट, द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी। डन बच्चे, डन, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चे? जल्दी। हाँ क्लियर। और अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है कि मैम यहां पर, हाँ देखो ये तो हमें क्लियरली पता है कि विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस करते हैं और तुम्हारा ये वर्निक के कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा विटामिन बी के डेफिशिएंसी से ही होता है। डर्मेटाइटिस में विटामिन डी का भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ डिजीज पूछा है। सो अभी के लिए इसको आंसर को ही कंसिडर करो, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब देखते हैं कि उसमें क्या दे रखा है। ठीक है, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी विल सी इट देयर, फाइन, विल सी इट देयर। ठीक है, सो बाकी यहाँ पे करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या आ गया, ए बी एंड डी। सो यहाँ तक कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि अभी ये लास्ट क्वेश्चन आने वाला है मेरे पास बायोलॉजी का। यहाँ तक तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। यहाँ तक तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हैं, जल्दी 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 फटाफट फटाफट। एटीन मार्क्स, 4, 9। अच्छा, खुराफत जोन, आप कौन हो बच्चे? मैं तुम्हारी मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। पहले मैं वीओएस पे, वेदांतु वीओएस पे ऑब्वियसली बायोलॉजी की क्लासेस लेती थी काफ़ी टाइम पहले, तुम देख सकते हो। फिजियोलॉजी के मैंने मैराथन सेशंस लगाए हैं, जेनेटिक्स के मैंने मैराथन सेशन लगाया, एनिमल किंगडम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सो आज तुम्हारे सर अवेलेबल नहीं थे, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। ठीक है, सो मैंने सोचा थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाएगा, पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो तुम लोग? अपना स्कोर बताओ जल्दी से। हाँ, फुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अच्छा, अभी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी की बातें करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया कि वेरियस पार्ट्स ऑफ मैमेलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट, मतलब नेफ्रॉन की बात हो रही है, वो यूरिन फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें पता है ना यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स चलते हैं। पहले आ जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी है, राइट। पहले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गई, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गई, फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन भी आ जाती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी आ जाती है। सो वही बताया है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हुआ, राइट, रीअब्जॉर्प्शन बाय पैसिव ऑस्मोसिस भी हुई, एंड फाइनली सिक्रीशन भी हुई। सो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन वाले स्टेप्स की बात हो रही है, राइट। सो ये कह रहे हैं कि जब फिल्ट्रेट फ्लो करेगा इस नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से, राइट, मेरा बच्चा 1 to 6 तुम्हें डायग्राम में दे रखे हैं। नॉट ओनली इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड but its composition is also considerably changed due to exchange of materials between the filtrate and the blood of the peritubular capillary। बिल्कुल सही, तुम्हें पता है ये 3 स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन होती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज देयर, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज देयर, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज देयर। सो जैसे जैसे फिल्ट्रेट पास करता जाएगा हर एक रीजन में, जैसे ये तुम्हारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये यू शेप्ड तुम्हारी लूप ऑफ हेनले है, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज द थिक डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज द थिन डिसेंडिंग लिम्ब, राइट, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब, थिक वन इज देयर, थिन, दिस इज द थिन असेंडिंग लिम्ब, और ये आ जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आ गया कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सो यहाँ पे ये नंबरिंग भी कर रखी है। अब पूछा ये जा रहा है कि from among the numbered parts in the above diagram the options are given in a manner that they highlight 2 aspects separately, parts having columnar epithelial cells with brush border suitable for reabsorption and those completely and poorly permeable to water। तुम्हें ये बताना है, राइट बच्चे, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम समझते हो? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम सी, जहां पर क्या होगा, ऊपर माइक्रोविलाई होगी हेमा, ऊपर क्या होगा, माइक्रोविलाई होगी, और यहां पर इन्होंने क्या कहा है, कॉल्यूमिनर एपिथीलियल सेल्स, सो ऑब्वियसली दैट टाइप ऑफ शेप। और दूसरा पूछा है दोस पार्ट कंप्लीटली एंड पुअरली परमिएबल टू वाटर, या तो पूरी तरह से मतलब पानी के लिए जो परमिएबल है, राइट। सो यहाँ पे अगर तुम्हें याद हो तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का मूवमेंट हो जाता है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब से बिल्कुल नहीं होता। पढ़ते हैं ना हम लोग ये, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का मूवमेंट पॉसिबल है, असेंडिंग लिम्ब से लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, इट्स ए बी एंड सी, मतलब 4th और 5th पार्ट तुम्हारा थिक सेगमेंट तुम्हारा, उसके अलावा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके अलावा तुम्हारा प्रॉक्सिमल भी कंसिडर किया जाएगा, ये सब भी। लेकिन ये जो 6th पार्ट दे रखा है कलेक्टिंग डक्ट, बस हमने उसका जिक्र नहीं किया। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए बी एंड सी, राइट, ए बी एंड सी। ठीक है, A, B and C. Done? Done? समझ आ गया? क्लियर है? सो अब यहां तक बायोलॉजी का कितना पोर्शन सही रहा, कितना पार्ट, क्योंकि मेरे बाद अब निधि मैम आने वाली है, वो तुम लोगों को केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस बताएंगी एंड आफ्टर दैट फिजिक्स के लिए निशांत सर आएंगे, वो तुम्हारे साथ फिजिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बाकी ऑफिशियल आंसर की को एक बार आने दो, वी विल सी, क्योंकि बच्चे ये देखो पूछा क्या है इन्होंने, हमें ये बताना है कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स है विद ब्रश बॉर्डर, जहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो सके, और वो पार्ट्स जो कंप्लीटली और पुअरली परमिएबल है. सो ऑब्वियसली बात है यही रहेगा ना. अगर तुम कलेक्टिंग डक की बात करते हो, कलेक्टिंग डक बेसिकली वहां से क्या हो रहा है, वाटर और थोड़ा सा यूरिया का मूवमेंट होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे पार्ट्स यहाँ पर इंक्लूडेड है. सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. बाकी तुम लोग एक बार अपनी आंसर की आने दो, वी विल मैच. बाकी बस यही है, अच्छे से परफॉर्म आई होप तुम लोगों ने किया हो, और उसके बाद देखते हैं कि कितनी कट ऑफ जाती है, कितना स्कोर आता है. अभी केमिस्ट्री एकदम डिसआर्टन मत हो जाओ, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखो एक बार, फिजिक्स का सॉल्यूशन देखो, फिर डिसाइड करना कि तुम्हारे कैसे मार्क्स रहे, राइट? सो अब निधि मैम तुम लोगों को केमिस्ट्री का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हैं, सो स्टे ट्यून्ड बच्चों. अब बायो के लिए टाटा, अब ज़रा तुम लोग केमिस्ट्री पर फोकस करो, ओके? केमिस्ट्री पर फोकस करो. चलो, जस्ट गिव मी अ मिनट. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग एवरीवन, कैन यू ऑल सी मी, कैन यू ऑल हियर मी? जल्दी से बता दो, आर बी लाइव, जल्दी जल्दी जल्दी. यस एवरीवन, यस आर बी लाइव, कैन यू ऑल सी मी, कैन यू ऑल हियर मी? क्विकली यस. हाय एवरीवन, कैसे हो, हाउ आर यू ऑल? करें जल्दी से पेपर डिस्कस. हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? कैसा गया केमिस्ट्री का पेपर? दो आई नो द आंसर. मार डाला केमिस्ट्री ने. यस, केमिस्ट्री ने मार डाला इस बार. आतंक आतंक आतंक. यस आतंक, यस आतंक. मजा आया पेपर देके? एकदम बढ़िया, एकदम शानदार पेपर देके मजा आया सबको? यस एवरीवन, चलो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री डिस्कशन. बहुत ही आतंक वाला पेपर केमिस्ट्री का है. मजा आया होगा, खूब मजा आया होगा, एंड आई एम श्योर. ओके, चले करें डिस्कस. शुड वी स्टार्ट केमिस्ट्री वाला? जल्दी बता दो, तैयार हो. बायो कैसी गई? बायो शानदार गई कि नहीं गई? बायो वो शानदार गई. यस, केमिस्ट्री मुश्किल था, अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर किए हुए थे. 11th 12th मोस्टली कवर किया गया था, राइट? सो एक्सपेक्टेड है कि केमिस्ट्री के मार्क्स सबके ही कम जाएंगे, सो डू नॉट वरी, सबके साथ है, रिलेटिव है, राइट? तो डेफिनेटली केमिस्ट्री में थोड़े कम मार्क्स ही एक्सपेक्टेड हैं इस बार. चलो लेट्स सी, करते हैं स्टार्ट पेपर केमिस्ट्री का. करें स्टार्ट? चलो करें भाई स्टार्ट. ओके, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे. तो सबसे पहला, ये तो बहुत आसान था. Which bond will break when following compound is dissolved in water? इनमें से कौन सा बॉन्ड टूटेगा जब इसको पानी में डिसॉल्व करोगे? HCOOH तुम्हें दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कौन सा वाला? जल्दी बता दो, व्हाट शुड बी द आंसर? क्या मार्क करके आए हो आप सब? जल्दी बताइए आप लोग, क्या मार्क करके आए हो इसका आंसर? ऑफ कोर्स द आंसर इज डी डोंकी. ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा HCOO- + H+, राइट? तो ये क्वेश्चन सही करना बनता था. करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स डी डोंकी. बिल्कुल सही जवाब, डी डोंकी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू दिस. मुझे बताओ, नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाउंड बाय हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट. तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन बना रहा होगा? कौन सबसे ज्यादा कंपाउंड बना रहा होगा? क्विकली, व्हाट शुड बी द आंसर? कौन सबसे ज्यादा कंपाउंड बना रहा होगा? तुम्हें पता है कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, राइट? हाइड्रोकार्बन्स, बट कार्बन है साथ में, हाइड्रोजन भी रहता है, मानते हो सब? सो व्हाट शुड बी द आंसर? कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगा कि नहीं होगा? यस, तो कंफ्यूजन कुछ ऐसी. ओके, ओके, सो अच्छा, कोबाल्ट के तो सबसे कम बनेंगे ना, कोबाल्ट के तो सबसे कम बनेंगे, ये मानते हो? कोबाल्ट के सबसे कम बनेंगे कंपाउंड, राइट, तो कोबाल्ट के सबसे कम बनेंगे, ये तो सबको क्लियर था, तो आंसर लगा देते। कार्बन हाइड्रोजन में कंफ्यूजन थी, कोबाल्ट के सबसे कम बनेंगे, ये तो क्लियर था, तो आंसर लगा देते। कोबाल्ट के N4 हैं, तो ऑफकोर्स आंसर विल बी मार्क्ड एज ए। ट्रिकी, कंफ्यूजिंग, आई विल से, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एकदम से वियर्ड कैटेगरी में मैं प्लेस करूंगी, बट हाँ थोड़ा सा क्योंकि N4 किसी में नहीं था, वी कैन मार्क आवर आंसर एज ए। यो यस, तो कितने लोगों ने लगाया, आंसर दिख रहे हैं ए सी ए सी, चलो कोई ना, डोंट वरी, बी हैप्पी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवीएस्ट न्यूक्लियाइड व्हिच डज नॉट शो रेडियो एक्टिव नेचर, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नेचर शो नहीं करेगा। देखो टेक्नीशियम, नेप्टूनियम दोनों रेडियो एक्टिव हैं, दोनों रेडियो एक्टिव डीके शो करते हैं। जो नहीं है बिस्मथ एंड लेड, बिस्मथ का भी कुछ एक जो न्यूक्लियाइड है ना वो थोड़ा रेडियो एक्टिविटी शो करता है, बहुत कम, राइट। बट जिस तरह से क्वेश्चन पोर्ट्रे किया गया था, ए और बी, लेड तो देखो नहीं है रेडियो एक्टिव, स्टेबल न्यूक्लियाई है, ए बिस्मथ की बात की गई है। अब हैवीएस्ट न्यूक्लियाइड पूछा गया, पहले तो मैं चाहूंगी कि आईएपीटी जिसने पेपर सेट किया है, अगर आप न्यूक्लियाइड पूछ रहे हो तो यू शुड स्पेसिफाई कि आप बिस्मथ के कौन से आइसोटोप की बात कर रहे हो, कौन से मास नंबर की बात कर रहे हो, राइट। सो इट शुड बी स्पेसिफाइड करेक्टली, दे दिए एलिमेंट न्यूक्लियाइड की बात करके। सो आंसर अभी के लिए, फिलहाल के लिए, मतलब कंसिडरिंग कि जिस तरह से क्वेश्चन पुट किया गया, हैवीएस्ट न्यूक्लियाइड, हैवी तो बिस्मथ ही है, लेड से दोनों ही नॉन रेडियो एक्टिव है, बट बिस्मथ का एक आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिविटी, वेरी लेस रेडियो एक्टिविटी शो करता है। सो ए और बी में भयंकर कंफ्यूजन थी, बट क्वेश्चन को पोर्ट्रे करने के हिसाब से वी आर गोइंग विद ए, हैवीएस्ट पूछा गया है, राइट। सो विल मार्क इट एज ए। हो सकता है आईएपीटी को सोच के भी आंसर कर दे, उस रेयर केस को कंसिडर करते हुए कि लेड, बट जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पुट किया हैवीएस्ट, बिस्मथ जनरली जो मोस्टली जो आइसोटोप्स हैं दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, राइट। सो लेट्स सी, देखते हैं तुम्हारा ए और बी, वैसे ए, बट यहाँ पर अगेन आई विल से मास नंबर शुड बी स्पेसिफाइड, देन इट विल बी मोर क्लियर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो सही किया होगा, येस और नो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। ये मैं सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ कि क्या होने वाला है, तुम बता दोगे क्या है। 1 kg एक्वस यूरिया का सॉल्यूशन है, यूरिया NH2CONH2, राइट। तो उसमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की दी है, जो यूरिया उसकी 0.2 है, तो ऑफकोर्स सॉल्वेंट की 0.8 है। 1 kg जो एक्वस यूरिया का सॉल्यूशन है, अब उसको डाइल्यूट करके 5 kg कर दिया गया है, ठीक है। तो डाइल्यूट किया मतलब यूरिया तो उतना ही है, यूरिया का अमाउंट उतना ही है, बस जो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो बढ़ गया है। तो अब बताओ कि इसकी मोल फ्रैक्शन क्या है। अब ये तो देखो स्टोइकियोमेट्री मैंने बहुत बार कराई है, मोल फ्रैक्शन क्या है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे अब सही से बताओगे, व्हाट शुड बी द आंसर। बहुत बार चैनल पे स्टोइकियोमेट्री मैंने कराई है। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे आंसर सी मार्क करके आए हैं बिल्कुल सही है। यो सी जितने लोगों ने मार्क किया, तुमने स्टोइकियोमेट्री की लाज रख ली, तुमने मोल कॉन्सेप्ट की लाज रख ली। द आंसर इंडीड इज सी, 0.029। सॉल्यूट उतना ही रहा, सॉल्वेंट बढ़ गया, राइट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि अगर 1 मोल सॉल्यूशन लोगे तो कितने मोल सॉल्यूट है। सो द करेक्ट आंसर इज इंडीड सी। उतनी तो नहीं रहेगी ना बेटा, जो 0.2 बोल रहे हैं, जो ए बोल रहे हैं, यार तुम सोचो ना, मोल्स बढ़ गए हैं, पानी के जो मोल्स हैं वो बढ़ गए हैं, तुमने डाइल्यूट कर दिया है, राइट। सो ऑफकोर्स द करेक्ट आंसर इज सी। जितने लोगों ने सी लगाया बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हें क्या, निकल फॉर्म्स अ गैसियस कंपाउंड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला NiCO(X) है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X इफ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2 है, एक है तुम्हारे पास मीथेन CH4, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाना तुम्हें है ना, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाना है। तो आई कैन से मीथेन डिफ्यूजेस, चलो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस कंपाउंड, निकल का जो भी कंपाउंड दिया है, दैट इज मोलर मास ऑफ दैट निकल का कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन, राइट। यही फॉर्मूला, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब तुम्हें क्या कहा गया है, जितना भी 3.2 मीथेन इफ्यूजेस 3.24 टाइम्स फास्टर देन दैट कंपाउंड, मतलब ये जो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन जो भी है दैट इज 3.24 टाइम्स द रेट ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर, तो ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये मुझे पता है 16 है, व्हाट इज दिस वैल्यू, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो निकल है, निकल का तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक मास उन्होंने दिया है, एक्स मॉलिक्यूल सीयू के तो 30x, तो सॉल्व कर लो इक्वेशन को, क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगा के 3.24 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, स्केयरिंग बोथ साइड कर लो, यू विल गेट योर आंसर, बट कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, ये ध्यान रखो, तो टाइम लगा होगा क्वेश्चन के अंदर स्केयरिंग करके सॉल्व करने में, बिकॉज कैलकुलेटर वॉज नॉट अलाउड इस बार, राइट, बट कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, तो मुझे जल्दी बताओ क्या आंसर मार्क करके आए हो, व्हाट इज द आंसर दैट यू मार्क्ड, क्या आंसर मार्क करके आए हो, क्या आंसर मार्क करके आए हो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का, क्या आप आंसर ए मार्क करके आए हो, यस द करेक्ट आंसर इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। बिल्कुल टाइम लगा होगा, कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, कैलकुलेटर अलाउड नहीं थे, चलो सबके साथ था जो था, सो द करेक्ट आंसर इज ए, सो जिन लोगों ने ए मार्क किया परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है बिटवीन लिथियम आयन, लिथियम एंड हाइड्राइड इन लिथियम हाइड्राइड इज 1.596 A, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट दी है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है, तो डायपोल मूवमेंट से केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है ये बच्चों, डायपोल मूवमेंट से परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट जो वैल्यू दी है, क्या वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डायपोल मूवमेंट इनटू 100, तो ये फॉर्मूला लगाया, दिस इज द फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दो, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट की वैल्यू दी है 1.964 * 10⁻¹⁹ कूलम मीटर, यूनिट का ध्यान रखें, कैलकुलेटेड क्या हो जाएगी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट क्यू, ऑफ कोर्स कूलम में लेना भाई, हमारा पूरा क्वेश्चन कूलम में चल रहा है, ठीक है, और डी डिस्टेंस कितना दिया 1.596 एमस्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज कृपा करके इसको भी मीटर में लें, कैलकुलेशन इजी होंगी, 10⁻¹⁹ वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस यू नीड टू डू, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड के लिए क्यू इंटू डी, वैल्यूज पुट करनी है, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है सब लोगों का, यस, सो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का ये फॉर्मूला लगा के आपने वैल्यूज पुट कर ली, व्हाट शुड बी द आंसर, द आंसर इज सी। कितने लोगों का सही आया, जल्दी से वी वेदांतु यो करके बता दो, जितने लोगों ने सी मार्क किया है इसका आंसर, यस सी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट डिवाइड बाय कैलकुलेटेड डायपोल मूवमेंट, यस, तो करेक्ट आंसर इंडीड इज सी। ओके, जितने लोगों ने इसका आंसर सी मार्क किया है जल्दी बता दो मुझे चैट बॉक्स में कि मैम हम सी ही मार्क करके आए हैं। केमिकल बॉन्डिंग डायपोल मूवमेंट बेस्ड, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू अगला, अगले क्वेश्चन पे चलें, चलें अगले क्वेश्चन पे, द करेक्ट आंसर इज सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये अगेन स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, सो रिएक्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का H2SO4 के साथ, राइट, टू फॉर्म MgSO4 एंड सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है H2SO4 के साथ टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। ठीक, अब तुम्हें कहा गया है 2 ग्राम मिक्सचर है इन दोनों का, दैट रिक्वायर्स 2 ग्राम फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो अगर इसका मास मिक्सचर में x है तो ये हो गया 2 - x ग्राम, राइट, इसका मास अगर मिक्सचर में y है, y ग्राम्स है, तो ये हो गया 2, मतलब H2SO4 का इतना लगा इसके लिए। इज दैट क्लियर? यस, इक्वेशन सेज 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ H2SO4, तो भाई 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। ऐसे ही किया सब लोगों ने, क्या आंसर आया इसका? सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व, यस, 1 मोल रिएक्ट्स विद 1 मोल, इसी तरह से सबने किया है इसको। क्या आंसर आ रहा है? एक्स और वाई में आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी। यस, देख लीजिए, यू विल गेट 2 इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई में 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। सो यू कैन राइट 1 मोल मींस 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 98 ग्राम, तो एक्स ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करना चाहिए, दैट यू कैन कैलकुलेट 98/84 into y, दो इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। सिमिलरली यहां पर भी 100 ग्राम, एक मोल मींस 100 ग्राम रिएक्ट्स विद 98 ग्राम्स, तो 2 माइनस एक्स ग्राम शुड रिएक्ट्स विद 98 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 माइनस वाई ग्राम। तो दो इक्वेशन बनानी थी यहाँ आपको एक्स और वाई में। कितने लोगों ने यही तरीका अपनाया है, राइट? यही मेथड अपनाया है। एक्स और वाई दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशन आ जानी थी एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ कोर्स। और आपसे पूछा गया था परसेंटेज, सो मींस एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करना था। यस यही किया है, यही किया है सब लोगों ने। क्या आंसर आया है? व्हाट इज द आंसर दैट यू मार्क फॉर दिस क्वेश्चन? देखें जरा, सिमिलरली आपने किया है। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज बी। तो बी वॉज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने बी लगाया है दैट इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम कार्बोनेट, और आपसे पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट पे सवाल, परसेंटेज पूछी गई थी, राइट? तो एक्स की वैल्यू आएगी, आपको परसेंटेज बतानी थी कि परसेंटेज कितनी है मिक्सचर के अंदर। इज दैट क्लियर एवरीवन? दो इक्वेशन बन जानी थी आपकी, एक्स और वाई में रिलेशन बन जाना था, करेक्ट? तो एक्स 0.2 समथिंग आना था, एक्स की वैल्यू आनी थी 0.2 समथिंग। सो द करेक्ट आंसर इज बी, बम्बई। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द कार्बन एटम्स इन टॉलुइन। कितने लोगों को टॉलुइन मॉलिक्यूल पता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि टॉलुइन क्या है? टॉलुइन क्या है? यहाँ बेंजीन रिंग है, हर एक पे हाइड्रोजन है कार्बन पर, बाकी सब कार्बन से बॉन्ड है, राइट? तो दिस इज हमारा टॉलुइन का मॉलिक्यूल। तो जितने भी कार्बन है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करना था, सम करना था। तो दिस इज टॉलुइन मॉलिक्यूल। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा के CH3 मिथाइल बेंजीन यू कैन कॉल इट, दैट इज टॉलुइन, राइट? यस। चलो, तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बाकी तो सब कार्बन से बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड दिस कार्बन विल हैव -1 चार्ज। बाकी तो सब कार्बन से बॉन्डेड है। Similarly, -1, -1, -1, -1. This carbon is bonded to all the carbons, so 0 charge on this carbon. And here 3 hydrogens, so of course we'll have this. Yes, -3 charge total because of हर एक हाइड्रोजन कार्बन पे -1 आएगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से तो चार्ज आएगा -3। तो टोटल क्या आ रही है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज कमिंग आउट हियर? यस प्लीज, सम कर लो सबका। -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -3 ऐड कर दो हर एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज नहीं पूछी है, सम पूछा है, एवरेज नहीं पूछा। एवरेज विल बी -8/7। यहाँ पर एवरेज नहीं पूछी कि व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर पूछा गया है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कार्बन। That is D donkey. Yes, D donkey is the answer. Sum of oxidation states of all the carbon in toluene. Average, जो -8/7 कह रहे हैं, they are telling the average oxidation state of carbon. यहाँ पूछा जितने भी कार्बन है, 5 कार्बन पे -1 चार्ज है and 1 कार्बन है 0 चार्ज and 7th कार्बन जो है that has -3 चार्ज. So the answer is -8, right? That is the correct answer. तो जितने लोगों ने -8 किया, good going, good going. Let's move on to this compound again. Oxidation state of oxygen का ये compound जो है आपके पास, actually this is a coordination compound, ऐसे complex है। मैं तुम्हें बना देती हूँ थोड़ा। This is O2 positive and PTF6 negative. क्या आप बता सकते हैं अब? कैन यू टेल मी, जल्दी से बताओ। क्या आप तुम बता सकते हो कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पर? जल्दी, व्हाट शुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीजन, क्या मैंने चार्जेस बता दिए हैं? क्या आप बता सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? यस, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? व्हाट शुड बी द आंसर? मैंने चार्ज बता तो दिया, 2 ऑक्सीजन पे मिला के +1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे प्यारे बच्चों। That will be the oxidation state. Yes, ये code 54 discuss हो रहा है यहाँ पर, code 54, right? This is code 54. Yes, what should be the answer? What should be the answer? O2 पे positive charge है, क्या आंसर आएगा? What should be the answer? Yes, O2 positive. The correct answer is plus half. तो कितने लोगों ने इसका आंसर प्लस हाफ किया है? जितने लोगों ने इसको प्लस हाफ मार्क किया पेपर में, चाहे सोच के चाहे लॉजिक से जैसे भी तुक्का लगा दिया, जिन्होंने भी सी लगा दिया उनको नंबर मिल जाएंगे. राइट? यस. कोड 54 वी आर डिस्कसिंग बच्चे, बट ठीक है कोई भी कोड है, क्वेश्चन सब में वही है. सो जस्ट सी द क्वेश्चन एंड देखो आपने क्या आंसर मार्क किया है. चलो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके दिस इज ऑर्गेनिक का क्वेश्चन. तो मैं नहीं जानती कितने लोग कर पाए होंगे बिकॉज ये कार्बन इंटरमीडिएट्स का क्वेश्चन है, जीओसी का क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल पर क्वेश्चन है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है यहाँ पे. सो आपसे पूछा गया है व्हेन अटैक्ड बाय बीआर फ्री रेडिकल, बीआर फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा कौन सा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो रिप्लेस होगा बीआर फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा. राइट? व्हेन अटैक्ड बाय बीआर फ्री रेडिकल, तो कौन सा जो बॉन्ड है वो रिप्लेस होगा. चलो जी, अब जितने लोगों ने जीओसी किया है, इंटरमीडिएट किया, जो बहुत कम बच्चे करते हैं और मैं सजेस्ट भी नहीं करती इतनी ऑर्गेनिक करना, उनका तो अगर हुआ होगा तो ठीक हुआ होगा. बट अब देखो तीन है हमारे पास, ये जो ऑप्शंस दिए हैं, इनफैक्ट चार, ए बी सी डी. तो आपका कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे? फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल. जैसे होमोलिटिक फ्यूजन होगी, फ्री रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. होमोलिटिक बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा. राइट? अब ये यहां से क्यों टूटेगा? बिकॉज ये जो फ्री रेडिकल बनेगा दैट इज स्टेबल. क्यों स्टेबल होगा? बिकॉज वो रेजोनेंस में रहेगा विद दिस डबल बॉन्ड. राइट? बिकॉज देयर इज अ रेजोनेंस ऑफ दिस कार्बन फ्री रेडिकल विद ऑल्टरनेट पाई. पाई विद फ्री रेडिकल इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम. कुछ एलियन टर्म्स लग रही होंगी बहुत सारे बच्चों को, बट दिस इज जीओसी कार्बन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन. सो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आई एम श्योर, अगर आपने तुक्का नहीं लगाया है तो आप क्वेश्चन छोड़ के आए होंगे. द करेक्ट आंसर जो सबसे स्टेबल बनेगा फ्री रेडिकल, देखो सारे फ्री रेडिकल बनाएंगे, ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा डबल बॉन्ड पे. एक यहाँ अगर ये बॉन्ड टूटता है और अगर यहाँ बॉन्ड टूटता है, मतलब इस तरह से बॉन्ड टूटेगा कार्बन हाइड्रोजन का कि एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हुआ. इसे बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया. राइट? सो वी हैव टू जस्ट सी कि कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल रहेगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दैट फ्री रेडिकल इज स्टेबल. तो जितने लोगों ने तुक्का मार दिया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, एकदम बेहतरीन. राइट? चलो, सो द करेक्ट आंसर इज सी. मतलब एकदम धुआंधार केमिस्ट्री आई है इस वक्त. याद रहेगा जितने बच्चों ने एनएसईजेएस 2022 दिया है कि केमिस्ट्री का मतलब मचा दिया था. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडरिंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला है C10H16. C10H16. चलो ये बता दो C10H16 जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n-4, यही होगा. राइट? तो इसमें क्या नहीं हो सकता, इस फॉर्मूला से क्या नहीं हो सकता. अगर वैसे नहीं आता था तो आप लोग आप कर भी सकते थे, सोच के समझ के कुछ बना लेते स्ट्रक्चर, क्या क्या पॉसिबल है क्या क्या नहीं है. व्हाट शुड बी द आंसर? तुमसे पूछा था नॉट पॉसिबल, यू आर आस्क्ड टू टेल नॉट पॉसिबल. यस, क्या आना चाहिए आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? नॉट पॉसिबल. Yes, done. Yo, not possible. What should be the answer? Yes, of course, of course, of course. The correct answer is दो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकते. The correct answer is 2 triple bonds. Right? सो अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे तो और हाइड्रोजन कम हो जाएंगे. राइट? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी 2 ट्रिपल बॉन्ड की वजह से. तो आंसर इज, तुम बना के देख लेते, कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना लेते जिसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड थे. तो क्या जनरल फॉर्मूला CnH2n-4 है कि कुछ और है? सो यू विल गेट योर आंसर. पहला ऑप्शन चेक करते थोड़ा सा, यू विल गेट योर आंसर. अगर हाइड्रोजन डेफिशिएंसी अनसैचुरेशन इंडेक्स का कुछ आइडिया नहीं है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, बिल्कुल सही बोल रहे हो. यस डन, द करेक्ट आंसर इज ए. इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये बता दो, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड होती है एडिशन रिएक्शन एल्कीन का, विच मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन टू लार्ज एक्सटेंट. जब हाइड्रोजनेशन होती है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर, हम इनमें से जो आंसर है ना वी यूज एज अ कैटलिस्ट. व्हाट शुड बी द आंसर? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कौन करेगा इसमें? यस, व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? हाइड्रोजनेशन अगर रिएक्शन पता है तो यस यस एवरीवन, व्हाट शुड बी द आंसर? क्या मार्क करके आएगा? निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम कैटलिस्ट यूज करते हैं हम हाइड्रोजनेशन में. यस, निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम हम यूज करते हैं. वैसे यहाँ यस एब्जॉर्ब, एड्सॉर्ब आएगा, एड्सॉर्ब है, एड्सॉर्प्शन होती है, स्टिक कर जाती है सरफेस पे, राइट. सो द आंसर इज पैलेडियम, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम. प्लैटिनम पैलेडियम कुछ भी तो आंसर मार्क हो जाता. बिल्कुल, हाइड्रोजिनेशन से यू कैन टेक द हिंट, अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वहां से आप हिंट ले सकते थे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जिन्होंने सी मार्क किया परफेक्ट, पैलेडियम इज द करेक्ट आंसर. हो Which of the following, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पैरामैग्नेटिक भी है कलर्ड भी है? ठीक है, पैरामैग्नेटिक भी है कलर्ड भी है. तो तुम्हें कलर्ड तो है डाइक्रोमेट, पैरामैग्नेटिक नहीं है. अब यहां पर अमोनियम आयन पे +1 चार्ज होता है, एक क्लोरीन पे -1. तो व्हाट इज द टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम हियर? What is the oxidation state of titanium? 2 + 1 x minus 6, chlorine 6 है, that is equal to 0. So x की वैल्यू क्या आ रही है? +4. टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, 4s2 3d2, चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए, 4s वाले भी और d वाले, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहां से भी यू कैन टेक द हिंट. दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का है, बट यू कैन टेक की टाइटेनियम में क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो सेंट्रल मेटल एटम है? तो इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, राइट. सेम इज द केस विद कॉपर, CN साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो पेयरिंग करा देता है. सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर. यहाँ पर वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2, ऑक्साइड पे भी -2. सो वेनेडियम +4, वेनेडियम +4. व्हाट इज द electronic configuration of vanadium, atomic number 23? So it will be 3d3 4s2. यही है configuration vanadium की, vanadium की यही configuration है, 3d3 4s2 vanadium की configuration है. बच्चों आपने 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 ये निकला, 1 इसमें से निकला, 3d में से 1 निकला, अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. तो ऐसे देख के आप भी आंसर मार्क कर सकते थे अगर आपको कोई आइडिया नहीं. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, आई विल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्वॉल्व किए गए हैं. एक ऐसा टॉपिक जो जनरली एनएसईजेएस की तैयारी करते वक्त बच्चे नहीं करते हैं. इनऑर्गेनिक क्लास 12th का टॉपिक है, राइट. बट द करेक्ट आंसर जो पैरामैग्नेटिक है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मेटल आयंस देखने थे आपको, कॉन्फिगरेशन देखनी थी, द करेक्ट आंसर इज सी. यस, तो कितने लोगों ने सी आंसर लगाया? कितने लोगों ने सी आंसर लगाया? यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? 3d, अच्छा 3d2 4s2, यस +4 कॉन्फिगरेशन. हाँ 3d1 होगा, 3d1 होगा, ऑफकोर्स 3d1 होगा, गलती से लिख दिया 3d1 है. ऑफकोर्स हमारे पास कितनी थी? +4 थी, वेनेडियम +4 है, बिल्कुल +4 है. तो 3d3 4s2 है, तो यहाँ 1, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. तो ऑफकोर्स अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक, इवन इफ इट इज 2 देन ऑल्सो अनपेड. यस, डन, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों इसका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अरे आंसर दिख गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, HCOOH और H2C2O4 का रिएक्शन है विद कॉन्सेंट्रेटेड, उसको हीट किया गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. तो HCOOH को तुम हीट करोगे, CO गैस होगी, वाटर होगा साथ में, और H2C2O4 को हीट करोगे तो यू विल गेट CO, CO2 एंड H2, राइट. आई एम कंसिडरिंग कि H2SO4 डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कंसिडरिंग अगर वो उसको भी मान लेते हैं कि H2SO4 भी डिसोसिएट हो रहा है तो SO2 गैस निकलेगी, तो आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट कंसिडरिंग द क्वेश्चन, कंसिडरिंग सिर्फ यही गैसेस लिबरेट कर रहे हैं हमारा ऑक्साइलिक और फॉर्मिक एसिड। तो जो KOH है बेस है तो वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ये सारी गैसेस में से कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, CO2, बिकॉज दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक है, बेस विल एब्जॉर्ब एसिडिक ऑक्साइड। ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, यस CO2 को एब्जॉर्ब करेगा वो। तो अब क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब कर ली KOH ने तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया 1/6, 1/6 से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है आपके पूरे मिक्सचर का, राइट? वो जो गैसेस निकली थी, तो आई एम श्योर यू कैन गेट कि वो जो CO2 निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, ऑक्साइलिक एसिड से निकल रही है। 1/6 वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, तो क्या रेशो, मोल्स की क्या रेशो रहेगी, मिक्सचर है दोनों का, दैट इज 4:1, करेक्ट? यस, यहां मैं बता रही हूं कि कंसिडरिंग H2SO4 डिसोसिएट नहीं हो रहा है, SO2 दे रहा है, अगर SO2 देगा वो भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, दैट कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब बाय KOH। चलो जी, सो दिस इज भयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, दिस इज इजी, बहुत मॉडल लगा के तुम कर सकते हो। हाइड्रोजन के लिए करेक्ट एनर्जी का ऑर्डर मुझे बताओ, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का -13.6, यस याद है सबको फॉर्मूला, Z2/N2। तो जो एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है वो करती है N पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का शेल सेम है, क्वांटम नंबर सेम है, तो एनर्जी सेम रहेगी। तो जल्दी बता दो क्या आंसर होना चाहिए इसका, व्हाट शुड बी द आंसर। ये क्वेश्चन तो मैंने मतलब एग्जैक्टली सेम तो बहुत बार अपना जब सेशंस लेते थी तो तब भी पढ़ाया, तब भी बताई है क्लास में बात, व्हाट शुड बी द आंसर। तो जिसका प्रिंसिपल जो सबसे पास होगा, सबसे स्टेबल होगा, मतलब जितना ज़्यादा शेल बढ़ता रहेगा उतनी एनर्जी बढ़ती रहेगी, बस शेल पे डिपेंड करेगा, सब शेल पे डिपेंड नहीं करेगा। हाइड्रोजन की बात हो रही है, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो ऑफ बोर रूल लगाते हैं हम, N+L की, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। बट क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली हाइड्रोजन की बात की गई है, एंड फॉर हाइड्रोजन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन N, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, N की वैल्यू पे ही एनर्जी डिपेंड करती है। सो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर रहे, नो दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, करेक्ट आंसर ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, गलत मार्क हुआ है यहाँ पर, दिस इज नॉट द आंसर, द करेक्ट आंसर इज A, राइट? फॉर हाइड्रोजन एटम दिस इज द A। थर्ड शेल की एनर्जी ज्यादा होगी सेकेंड शेल से, बट SPD सबकी एनर्जी बराबर होगी। गॉट इट एवरीवन? यस, सो द करेक्ट आंसर फॉर 30th क्वेश्चन इज A, क्योंकि हाइड्रोजन की बात है। अगर किसी और की बात होती तो आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट। यस, डन 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 एवरीवन, बढ़िया। यस, A इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग हैं जो A मार्क करके आए हैं? द करेक्ट आंसर इज A, प्लीज। गलत मार्क हुआ है यहाँ पे गलती से, द करेक्ट आंसर इज A। हाइड्रोजन के लिए एनर्जी डिपेंड्स अपॉन N की वैल्यू। चलो डन, सो द करेक्ट आंसर इज A। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, ऑस्मोसिस तो तुमने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है? सो दो सॉल्यूशंस हैं, यू कैन सी हियर, बीचे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, X3Y2 जब A2B3 से मिलता है तो अगर वो मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे दैट इज ब्राउन इन कलर। तो मुझे बताओ, तुमसे पूछा गया था कि क्या मूवमेंट होगी, मूवमेंट होगी तो कहाँ ब्राउन कलर दिखेगा, व्हाट शुड बी द आंसर। ऑस्मोसिस का है, ऑस्मोसिस में देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ध्यान से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से कम सॉल्वेंट वाली साइड मूव करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखो, दिमाग, जिसको ये डेफिनेशन पता है उसने कर दिया होगा, बायोलॉजी ऑस्मोसिस पढ़ा है, तो इस SPM के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, है ना? सॉल्यूट तो मूव कर ही नहीं रहा, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जब मूव ही नहीं कर रहे, A2B3 X3Y2 जो भी हैं, तो जब वो मूव ही नहीं कर रहे तो मिलेंगे कैसे? सो तो उनके मिलने से जो रिएक्शन होगा प्रोडक्ट बनेगा वो नहीं बनेगा, बिकॉज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव। एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी की मूवमेंट हो रही है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो पानी ही मूव कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स नो combination will take place, no reaction is taking place, no brown formation, right? The correct answer जो बच्चे दे रहे हैं दी डोंकी है मेरे प्यारे बच्चों, पानी के मूवमेंट हो रही है बस across membrane। X3Y2A ये जो है हमारे पास A2B3 X3Y2 वो वही है, solute molecules वही हैं, solute नहीं move कर रहे, solvent की movement होती है through semi permeable membrane। Of course the correct answer is D donkey yo। So जितने लोगों ने D donkey आंसर दिया होगा करेक्ट, और जितने ने नहीं दिया होगा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? Yes, just give me a second। Yes please। So यहां तक कितने, ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे, आप सबके सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कितने लोगों का सही बना सिंगल करेक्ट? ये अब आ गए हमारे मल्टीपल करेक्ट। सिंगल करेक्ट में क्या हालचाल है सब लोगों के? मल्टीपल करेक्ट पे आ गए हैं हम, पार्ट 2 पे आ गए हैं। पार्ट 1 वी आर डन, पार्ट 2 पे आ गए हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड केमिस्ट्री ने कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं दिए होंगे तुम लोगों को इस पेपर के अंदर, बट ठीक है, रिलेटिव है राइट, सब बच्चों के साथ ऐसा है। तो इस पेपर में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा दैट स्टूडेंट विल क्वालिफाई, राइट? सो हर बार ऐसा तो रहता ही है, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ टफ पार्ट तो रहता ही है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट पे चलते हैं अब। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। मल्टीपल करेक्ट नो नेगेटिव मार्किंग थी, मल्टीपल करेक्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। +6 मार्क्स मिलने थे अगर तुमने सही किए होते। ओके, एम्फोटेरिक नेचर, तुम्हें पता है Al2O3 इज एम्फोटेरिक, तो इसका जो एम्फोटेरिक नेचर है वो किस किस में एम्प्लॉय होता है, यूज होता है? ये जो मेटलर्जी का क्वेश्चन है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल प्रोसेस, सर्पेक प्रोसेस, राइट, दे ऑल आर इन्वॉल्विंग Al2O3। इन सब में Al2O3 इन्वॉल्व होता है पहले तीनों में, बट क्वेश्चन इज नॉट कि Al2O3 किस में है। प्रिसाइजली देवर आस्किंग जो एम्फोटेरिक बिहेवियर है कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं Al2O3, वो नेचर किन प्रोसेसेस में यूज किया गया? तो करेक्ट आंसर इज बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस। बेयर प्रोसेस तो तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा ही होगा, राइट? जब इम्प्योरिटी रिमूव करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हम बॉक्साइट और की Al2O3 की, राइट, दैट इज बेयर्स प्रोसेस। एंड अनदर इज हॉल्स प्रोसेस, वहाँ पर भी जो एलुमिना है उसको डिजोल्व किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस जैसा जो मेथड रहता है। सो ये जो दो मेथड हैं इनमें हम Al2O3 का दैट नेचर एम्फोटेरिक नेचर यूज करते हैं। दो हम सर्पेक प्रोसेस में भी, जहाँ सिलिका जैसी इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं एलुमिना से, यूज होता है, बट वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एलुमिना से नाइट्राइड में कन्वर्ट करते हैं एंड देन फॉर द रिएक्शन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस करके। सो दो तीनों में Al2O3 का यूज है, बट एम्फोटेरिक बिहेवियर की बात की गई है कि कहाँ वो एसिड और बेस दोनों की तरह जो रिएक्ट करता है वो बिहेवियर का यूज किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज A and B। यस, हाँ बिल्कुल बच्चे, उसने क्लास 9 का एग्जाम था क्या? बिल्कुल, ये क्लास 9 का एग्जाम था। सोचो जरा, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, दैट इज फॉर क्लास 9। अंजना बेटा 54 कोड डिस्कस हो रहा है, 52 कोड, कोई भी कोड हो, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चंस आर सेम, ऑप्शंस आर सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट इज इट लाइक रीशफल हुए हुए हैं, राइट? यस, तो आंसर इज A and B। चलो नेक्स्ट। ओहो, चलो तो था तो ये देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सबको पता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ये जर्नल ट्रेंड है, राइट? बट चलो अब पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका BOD है, क्यों मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये रहा पीरियोडिक टेबल हमारा, है ना, और ये रहा फ्रेंशियम, ये रहा रेडियम, राइट? तो इससे पहले लेंथेनाइड्स आ गए। लेंथेनाइड्स क्या करते हैं, F में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पुअर शील्डिंग, राइट? यस, पुअर शील्डिंग होने की वजह से साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड है, बट फ्रेंशियम की सेम रेडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग बाय इनर एफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, तो वहां कहानी में थोड़ा सा बिकॉज ये एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेंथेनाइड आ गए, दे आर पुअर शील्डर्स, तो वो ट्रेंड में थोड़ा चेंज आ गया एंड में आके बहुत वैल्यूज के अंदर फ्रेंशियम और रेडियम की बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग. तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था बेटा. मैं आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों ने तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस करके, बिकॉज जनरली जब दिया जाता है सीजियम तक दिया जाता है, बट दे इंक्लूड दिस टाइम फ्रेंशियम रेडियम ऑल्सो, वो कर दिया है. एंड साथ में हमको एक ऑप्शन दिया था, कौन सा ऑप्शन दिया था, कॉपर सिल्वर गोल्ड का भी एक ऑप्शन था, राइट. अगेन देखो गोल्ड है, उससे पहले लैंथनम आ गए, एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और जब भी एफ इलेक्ट्रॉन्स आए उन्होंने शील्डिंग अच्छी नहीं की और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, राइट. सो जिस वजह से जो हमारे सही ऑर्डर थे इनमें से, वो कौन कौन से सही ऑर्डर थे, तो जो पहला है वो तो गलत हुआ क्योंकि फ्रेंशियम की ज्यादा बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग बाय एफ इलेक्ट्रॉन, सो दिस ऑर्डर इज करेक्ट, राइट. एंड दिस इज नॉट करेक्ट, अगेन रेडियम की ज्यादा है, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट बिकॉज अगेन गोल्ड की ज्यादा है क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग अच्छी नहीं हो पाई है, राइट. एंड ऑफकोर्स कैडमियम और मरकरी की अगर मैं बात करूं, पीछे चलते हैं हम, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. लेट मी शो यू cadmium or mercury also. You can see here again same logic, एक ही logic लग रहा है. F electrons की poor shielding जिसकी वजह से ionization energy बढ़ गई, अच्छे से बचा नहीं पाए valence electron के nuclear के charge से. तो जो ये सारे elements हैं वो lanthanides, ये देखो यहाँ के बाद वाले पूछे गए हैं, right. तो वहाँ पर changes आ गए. So आपको multiple correct दिया गया था, तो multiple correct में से आपको ढूंढना था. So B and D. ये क्वेश्चन देखिए बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि भाई ये क्या है, मतलब ये तो इजी है, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, बट उन्होंने स्पेसिफिकली खेल लिया तुम लोगों के जज्बातों के साथ, तुम लोगों के इमोशंस के साथ, जब उन्होंने इंक्लूड कर दिया लास्ट एलिमेंट जो एफ इलेक्ट्रॉन्स लेंथेनाइड्स के बाद आते हैं. सो उन्होंने खूब खेला है केमिस्ट्री के पेपर में नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के भावनाओं के साथ. चलो, ओके, सो दिस इज द आंसर बी एंड डी. दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है. सो व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर होता है कोई लिक्विड है उसके वेपर्स का प्रेशर, जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. किसी टेम्परेचर पे लिक्विड है, लिक्विड के वेपर्स बने, and there is an equilibrium, right? लिक्विड में और वेपर में, तो उस वक्त जो वेपर्स का प्रेशर है that is the vapor pressure, of course जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो जिसको वेपर प्रेशर की भी डेफिनेशन पता होगी वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा. बट बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई विल से. इस तरह का क्वेश्चन जी में एडवांस में पहले आ चुका है सिमिलर सा कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का, राइट. सो इट इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. चलो करें, शुड वी? चलो, टू कंटेनर्स ईच कंटेनिंग वाटर एंड लिक्विड स्टेट आर कनेक्टेड बाय अ वॉल्व. तो भाई ये दो कंटेनर हैं, एक 300 है, एक 350 केल्विन पे है, राइट. लिक्विड है, पानी है, तो भाई यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ कम. तो एक तरफ जो प्रेशर है, ऑफकोर्स जहाँ कम टेम्परेचर प्रेशर कम होगा, 22 टॉर है, राइट. और दूसरी तरफ जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, 40 टॉर है. वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट, राइट. So, this is, जैसे ही तुमने वॉल्व ओपन किया तो क्या होगा, जल्दी बताओ. जैसे ही तुम वॉल्व ओपन करोगे तो क्या होगा? दोनों तरफ डिफरेंट प्रेशर, दोनों तरफ पानी है. जैसे ही तुम वॉल्व ओपन करोगे, what will happen? हायर प्रेशर से लोअर की तरफ, हायर प्रेशर से लोअर की तरफ, yes और no? हायर से लोअर की तरफ जाएंगे वेपर, yes. तो दोनों तरफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. इसके लिए इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 40, इसके लिए 20, तो दोनों तरफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. तो ये वापस से रीटेन करेंगे इक्विलिब्रियम. ये कैसे रीटेन करेगा? इसका प्रेशर बढ़ गया तो ये क्या करेगा, वो जो वेपर्स हैं उनकी क्या हो जाएगी, कॉन्डेंसेशन हो जाएगी, मतलब वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होते रहेंगे, ताकि वापस से प्रेशर कितने पे आ जाए, वेपर्स कम हो जाए और प्रेशर आ जाए 20 पे. और इधर क्योंकि प्रेशर कम हो गया, वेपर्स उधर चले गए, तो इसको भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. अब इसको वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करना है, तो वापस लिक्विड वेपर बनेंगे, राइट और फिर वो सिलसिला चलता रहेगा. क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है 40 टॉर, तो इधर जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्डेंसेशन होती रहेगी, यहाँ पर वो वेपराइज होता रहेगा. तो यहाँ पर लिक्विड वाटर का एक्स में अमाउंट बढ़ता रहेगा, यहाँ पर कम होता रहेगा और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। और दोनों तरफ, क्योंकि इधर तो खत्म ही होगा, दोनों तरफ कितना प्रेशर हो जाएगा जो 22 टॉर वाला था, 22 टॉर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज, क्या सही जवाब है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट में आया, बस एक ही आंसर सही था। इस कंटेनर में लिक्विड वाटर बढ़ेगा, इसमें कम होगा और अल्टीमेटली 22 टॉर पे जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्या ये रहे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। मोर देन 22 नहीं, 22 पे जाके अल्टीमेटली मतलब पूरा वाई खत्म हो गया और अल्टीमेटली मतलब उतना रह गया कि जितना खत्म होके 22 पे वो इक्विलिब्रेट कर जाएगा। 52 में प्रिंटिंग मिस्टेक, 52 में प्रिंटिंग मिस्टेक, यस। अरे क्या कर दिया, मल्टीपल करेक्ट को सिंगल करेक्ट बना दिया, तो डेफिनेटली दे विल गिव यू बोनस मार्क्स। तो जो भी बच्चों को ऐसा कुछ लग रहा है, जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिंगल मल्टीपल जो भी करेक्ट की, तो दे विल डेफिनेटली गिव यू बोनस मार्क्स, उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए ज्यादा लोड भी मत लो कि हमारे साथ गलत हो गया। दे विल एक्नॉलेज, जब भी कोई क्वेश्चन गलत जाता है, आंसर गलत जाता है, तो वो एक्नॉलेज करती है, ये भी अच्छी बात है, एंड अकॉर्डिंगली बोनस मार्क्स करती है। सो डू नॉट वरी एवरीवन, अगर ऐसा कुछ कहीं किसी क्वेश्चन में किसी कोड में हुआ है तो, राइट चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। 0.01 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस हैज, तो NH4Cl का सॉल्यूशन है, NH4Cl इज एसिडिक सॉल्ट। अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो मतलब एसिडिक सॉल्ट है ना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH एंड HCl का सॉल्ट है, राइट। सो जल्दी से बता दो, NH4Cl अगर एसिडिक सॉल्ट है तो उसकी pH कितनी होनी चाहिए और pH कितनी होनी चाहिए, एक ऑप्शन तो इसमें से बता दो, यस क्विकली जल्दी से। यस हाँ जी, तो POH, pH विल बी लेस देन 7, तो pH विल बी मोर देन 7, तो ये तो सही बन जाएगा। pH प्लस pH इज 14, ऑफ कोर्स 25 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है। एंड अब क्या है, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ना, तो अमोनियम आयन है, क्लोराइड आयन है, साथ में एक्वस सॉल्यूशन है, तो पानी है, मींस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन है, राइट। सो ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH इज अ वीक बेस, तो सॉल्यूशन में एसोसिएटेड फॉर्म में रह सकता है, तो दे कैन कंबाइन। तो जो कुछ अमोनियम आयंस हैं, दे विल कंबाइन विद OH नेगेटिव आयन ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो OH नेगेटिव आयन का नंबर है वो कम हो जाएगा H पॉजिटिव आयन से, हाइड्रोलिसिस जिसे हम कहते हैं, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो गई। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयंस हैं, अदरवाइज सबको पता है H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इज 10⁻⁻⁴ एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट, एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 10⁻⁻⁴। अब क्योंकि हमारी हाइड्रोलिसिस हो गई, OH नेगेटिव आयन कंबाइन कर गए NH4 पॉजिटिव आयंस के साथ, तो जो OH नेगेटिव आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, सेम अमोनियम आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, जीरो ये था ना, इससे कम हो गई क्योंकि कंबाइन कर गए कुछ आयंस। तो NH4 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² से कम है, Cl नहीं कंबाइन किए, H पॉजिटिव नहीं कंबाइन किए, तो दिस इज नॉट करेक्ट एंड ऑफ कोर्स दिस इज करेक्ट, बिकॉज ये कम हो गए और इन दोनों का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी 10⁻⁷ से वैल्यू ज्यादा आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हुए करेक्ट आंसर फॉर दिस इज B, C एंड D, B, C एंड D इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी कि कितने लोगों में ने सही किया, कैसा गया बताओ, सारे आंसर्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं जो होने चाहिए, राइट। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों का कुछ बहुत बढ़िया तो बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ होगा, राइट, जैसा कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, जैसा कि मेरे को समझ में आ रहा है आप लोगों की चैट से और जैसा मुझे लग भी रहा है, यस। सो आई गेस एंड कम्युनिटी पोस्ट पे आंसर की पोस्ट कर दी जाएगी जल्दी, तो यू कैन चेक योर आंसर्स। यस एवरीवन, जल्दी बताओ कैसा गया, कैसा गया? ओके, +3 0 10 मार्क्स 25 मार्क्स, वाह बहुत बढ़िया, चलो गुड। अब ठीक है, जैसा हुआ सो हुआ, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दैट यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम, यू गेव दिस एग्जाम, दिस एग्जाम लेवल इज रियली गुड एज पर योर एज। अगर आप ये पेपर आप जेईई नीट वालों को भी दोगे तो वो भी कोई बहुत बढ़िया पूरे नंबर लेने वाला परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव दैट ability, that courage to attempt such kind of paper, and you are getting exposed to such kind of science ke paper at this age, so that is the biggest achievement for you all, I'll say today. Chalo ab jaldi se cut off to तीनों पे depend करती है, biology relatively ठीक थी, easier थी, right? तो कट ऑफ तीनों पे depend करते हैं, कट ऑफ भी expected, कट ऑफ का analysis भी लेके आएंगे, don't worry. So अभी move करते हैं जल्दी से physics पे, yes? फिजिक्स पे मूव करते हैं जल्दी से। शुड वी मूव ऑन टू फिजिक्स पेपर? यो यस, देखते हैं कि फिजिक्स ने तुम्हें बचाया कि डुबाया। यस, चलो बेटा जल्दी से फिजिक्स के लिए हम बुलाते हैं निशान सर को। निशान सर जल्दी आ जाओ। यस, बाय, टेक केयर, एंड आई विल शेयर द आंसर की ऑन द कम्युनिटी पोस्ट ऑल्सो। Hi everyone, hello. Am I properly audible and visible to you guys? Just let me know. जल्दी से बताइए। Good evening, good evening, good evening, good evening. Okay बच्चों, तो आज वो पेपर हो ही गया and it was फिजिक्स में तो फैंटेस्टिक पेपर था, बहुत ही मस्त पेपर था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल पेपर था। और मज़े की बात यह है जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे इवन ऑन यूट्यूब, राइट, उनको फिजिक्स का सेक्शन बहुत आसान लगा होगा। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आए थे जो कि हमने अपने मॉक टेस्ट जो हुए हैं या रिवीजन फेस्ट जो हुआ है उसके अंदर हमने क्वेश्चंस लिए थे, और वो एज इट इज लगभग उससे बल्कि आसान क्वेश्चन जो है वो आए थे, राइट? सो यस, इसी खुशी में मैंने हेयर कट भी ले लिया। ओके, फिजिक्स पेपर वॉज टफ, फिजिक्स जिंदाबाद। या फिजिक्स का पेपर अच्छा गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए लेट्स स्टार्ट द फिजिक्स सेक्शन, एंड दिस इज द आंसर की फॉर फिजिक्स ओनली। द कोड इज 54 गाइज, कोड इज 54। पेपर का कोड NSEJS 2022 Sorry guys, sorry. Yeah, and code 54. This is the answer key guys. Let's move to single correct questions. पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान। बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ क्या आंसर रहा है इसका आपका। बच्चों कोड्स डिफरेंट है बट क्वेश्चन सेम है, राइट? कोड्स डिफरेंट है बट क्वेश्चन सेम है। ओके, सो गाइज, फिगर 1 to 5 शो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। हियर एस, वी, ए एंड टी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, द वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन एंड द टाइम रेस्पेक्टिवली। सो ओवर हियर व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना था? विच ऑफ द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, एंड द आंसर ओवर हियर इज यूनिफॉर्म मोशन मतलब constant velocity या constant speed guys, right? So over here the slope of position time graph has to be constant, right? And that graph is second graph only. Okay, over here the velocity is changing, the accelerated motion cannot be a uniform motion. This velocity is again changing with constant acceleration, and this is again velocity is increasing. So the only option which is correct is second option, B option. Very nice guys. Okay, let's move to the next question. This question, 3 identical electric bulbs A, B and C having specification 60 watt 220 volt are connected across a 220 volt supply as shown. The total power dissipated in 3 bulbs is close to. So now the scenario over here is ये तीनों bulb जो बच्चों ये same resistance वाले होंगे, right? Because rated power और rated voltage इन तीनों bulbs की same है. ये B and C जो bulbs हैं ये दोनों आपस में parallel combination में होंगे और A bulbs के साथ ये series combination में होंगे. तो बच्चों अगर मैं एक bulb की resistance R consider कर लूँ तो उस situation के अंदर इन दोनों की ये B और C की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी R बाय 2 और सर्किट की जो रेजिस्टेंस आ जाएगी R इफेक्टिव जो आ जाएगी दैट विल बी 3R बाय 2 बाय बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ है A बल्ब विद R बाय 2 रेजिस्टेंस, राइट. अब बच्चा पार्टी R की वैल्यू होगी कितनी, रेजिस्टेंस की वैल्यू एक किसी भी एक बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी कितनी. वी नो दैट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर R दैट इज रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर इन्वॉल्व होती है. सो ओवर हेयर यहाँ पे हम लिख देते हैं इस चीज़ को 220 का स्क्वायर बाय 60 वॉट दिस विल बी द रेजिस्टेंस, राइट. And we need to find out total power dissipated. We can easily find out total power dissipated using V square over R. R will be effective R and velocity जो voltage हमने apply की है that is 220, right. So इसका square आ जाएगा by R effective that is 3 by 2 R. And बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू पुट कर दें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इट विल बी इक्वल टू 3 इन टू R की वैल्यू है बच्चों 220 का स्क्वायर बाय 60. सो आई विल सजेस्ट यू के 60 इंटू 2 ये ऊपर आ जाएगा, राइट. सो ओवर हेयर 220 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी 120 बाय 3 विच इज 40 वॉट. सो आंसर विल बी डी ऑप्शन. पार्शियल करेक्ट के कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं बच्चा पार्टी. ओके, यस. Just a second, guys. Yes. Okay. So answer over here is D option. बिल्कुल सही, right? Okay. चलिए बच्चा पार्टी आगे चलते हैं. इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा पार्टी बताइए क्या है. नो इट वॉज क्वाइट ईजी बट थोड़ा सा ट्रिकी जरूर रहा. ओके इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों. अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू डिक्रीज इट्स रेडियस बाय 0.15%. द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज. बच्चा पार्टी यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन था. स्ट्रेच्ड है तो इसका मतलब है बच्चा पार्टी इस केस के अंदर वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा. और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि रेजिस्टेंस जो होता है अगर लेंथ के ऊपर डिपेंडेंस चेक की जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होती है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. और एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी अ सर्कुलर एरिया. सो पाई आर स्क्वायर. सो जो रेडियस पे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस आर स्क्वायर का भी स्क्वायर. इट मींस बच्चा पार्टी रेजिस्टेंस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हैविंग पावर 4. और बच्चों अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे हम देखें तो रेडियस जो है वो डिक्रीज किया गया. अगर रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज करेगी. यानी कि अगर रेडियस के अंदर परसेंटेज चेंज नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आएगा. अब ए ऑप्शन आएगा या सी ऑप्शन आएगा बच्चा पार्टी हम लोगों को सभी को पता है दैट अगर आपने यूनिट मेंशन किया हुआ है उसके अंदर एरर का कॉन्सेप्ट किया हुआ है देन द परसेंटेज एरर इन या परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस will be equal to 4 times of the percentage change in radius, right. So 4 into delta r by r, which is given, that is 1.5. So over here the answer will be 0.6% and that too positive. So बच्चों हमारे पास जो आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का that will be C option. That will be C option. Okay, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी दैट टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर जो होता है केल्विन के अंदर कंसिडर किया जाना चाहिए और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होती है. ठीक है. सो द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 273 केल्विन एंड एटम is 332 meter per second on a clear day when the temperature in the laboratory was 27 degree centigrade. An experiment was performed to measure the speed of sound in air in the lab. The measured value comes out to be 352 meter per second. The percentage error in this measurement is. So the thing is this बच्चा पार्टी यहाँ पे हमें क्योंकि they have given that वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम ये कह सकते हैं दैट इन फर्स्ट केस इन द फर्स्ट केस इट इज़ 332 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट अंडर रूट ऑफ 273 केल्विन. एंड बच्चों केल्विन में टेम्परेचर ज़रूर रखिए गया ये राइट. उसके बाद अगले केस के अंदर वेलोसिटी हमें पता नहीं है बट वी नो द टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड. सो केल्विन के अंदर ये जो टेम्परेचर होगा इसके अंदर 27 के अंदर 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन कंसिडर किया जाएगा. एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी बाय रेशो ले लीजिए हम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन की हम रेशो ले लेते हैं. v बाय 332 इज इक्वल टू √300 बाय √273. अब बच्चा पार्टी यहाँ पे जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये जो रेशो आएगी v बाय 332 दैट विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 1.048. एंड यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी 348. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे जो डिफरेंस है देखिए मेजर्ड वैल्यू कितनी है 352, जो एक्चुअल में थ्योरेटिकल वैल्यू आई है वो 348 आई है, तो इसका मतलब है चेंज या डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना आया है 352 माइनस 348 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड is delta v. Now we need to find out the percentage error. Percentage error will be equal to delta v by v into 100. So 4 by 348 into 100 and this will be approximately equal to 1.15%, right? Yeah. थोड़ा कैलकुलेशन या ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ज़रूर था ये. आई विल से कि ये आपका काफ़ी टाइम ले गया होगा क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो, राइट चलिए बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इज बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, राइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. इट वॉज लेंदी बट इट वॉज क्वाइट ईजी क्वेश्चन. वन फाइन मॉर्निंग मिस्टर रवि विजिटेड गांधी पार्क विद हिज ग्रैंडसन व्हेन ही वॉज जस्ट ऑन अ ब्रिज ओवर द लेक इन द पार्क. एन ओल्ड वुडन टॉय जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज हैंड. The toy went straight down to hit surface of calm water, then sinked into the water to a certain depth below water surface and returns back due to upthrust of water to the hands of Mr. Ravi in the same position from where it was dropped. Assuming this position to be at a height of 19.6. Now, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दैट हाइट इज गिवन 19.6 मीटर एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ टॉय इज हाफ द डेंसिटी ऑफ वाटर. right? The total time in which the toy is received back to the hands of Mr. Ravi is calculated to be. What will be the correct answer over here? Now the scenario over here is बच्चों, आंसर जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, ठीक है? ये आंसर सी ऑप्शन क्यों आएगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है, और दिस इज़ द हाइट h, यहाँ से ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद ये जो टॉय है ये जैसे ही पानी में पहुँचेगा इस टॉय का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और मज़े की बात ये है वेट जो होगा वो mg होगा और अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर बायेंसी फोर्स लगेगी, राइट। अब मैं बच्चों यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो बायेंसी फोर्स जो होगी वो होगी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सपोज कीजिए v इज़ द वॉल्यूम एंड वी नो ओवर हेयर इट इज़ रिटन दैट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ टॉय इज़ हाफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। तो लिक्विड डिस्प्लेस यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम रो w कंसिडर कर लें, ठीक है, जो कि हमें पता है, इंटू वी इंटू जी विल बी द बायेंसी फोर्स, देन इस सिचुएशन के अंदर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू रो, rather I will just keep the density of liquid as rho, so half of the density of liquid will be the density of the solid and into v into g, right? So over here in this case अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है, बायेंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगी बिकॉज ऑब्वियसली बात आप देख पा रहे हैं ओवर हेयर एफ बी माइनस एम जी विल बी इक्वल टू mass into acceleration and over here buoyancy force is rho vg minus rho vg by 2 will be equal to rho by 2 v into a. now बच्चों यहाँ पे आप easily समझ सकते हैं इसको, अगर आप sort out करेंगे तो acceleration जो आएगा upward direction में भी object का पानी के अंदर भी that will be equal to g only, राइट यानी कि जब ये नीचे जा रहा है यानी कि हवा में है तब भी एक्सेलरेशन g है, और जब ये पानी के अंदर है तब भी एक्सेलरेशन g है। हवा में है तो एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जब पानी में है तो एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, सो अब सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे t1 की बात करूँ, सबसे पहले हाइट h से पानी के सरफेस तक जाने का टाइम कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू रूट 2h बाई g, वी ऑलरेडी नो दिस, एंड 2 height is 19.6 given and g is 9.8, so we can figure out that time that will be equal to 2 seconds, and after that जैसे ही ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा तो whatever velocity it will achieve सेम एक्सेलरेशन बट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ये जितनी हाइट से गिरा है उतनी हाइट ये अगेन ट्रैवल कर लेगा और सेम एक्सेलरेशन वहाँ पे है, तो इसका मतलब है T2 विल अगेन भी, टाइम कितना लगेगा इसको 19.6 मीटर जो है वो पानी के अंदर भी जाएगा, ये अगेन इसको 2 सेकेंड्स लगेंगे। फिर उसके बाद पानी के अंदर ही अपवर्ड डायरेक्शन में आने, सरफेस तक आने के लिए T3 दैट विल अगेन 2 सेकेंड, बिकॉज सेम सिमिट्री चल रही है। और बच्चों T4 सेम एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट वेलोसिटी इतनी होगी कि ये टॉप तक पहुंचेगा और रेस्ट पे आ जाएगा, टॉप पे जाके अगेन 2 सेकेंड गेम होगी यहाँ पे। सो जो टोटल टाइम होगा t टोटल दैट विल बी नथिंग बट 8 सेकेंड। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है बच्चों, सो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। ओके, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अगेन ऑसम क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार मैंने आपको, जब भी ऑप्टिक्स का कोई भी सेशन होता था तो मैं इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आपके सामने लेके आता था, और आई होप आप लोगों ने सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। टू प्लेन मिरर्स ओ ए एंड ओ बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू बी ओ स्ट्राइक्स द मिरर ओ ए एट पॉइंट पी, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड from mirror OA and then reflected from the mirror OB, the ray finally emerges parallel to OA. The value of angle theta is, you need to find out this theta angle. Now the scenario over here is this, that यहाँ से ये reflection होगी और उसके बाद ये reflection जो occur होगी वो again parallel to the first mirror होगी, यानी inclined mirror के parallel होगी। So बच्चों scenario ये है कि अगर ये angle theta है तो ये भी एंगल थीटा होगा, एंड इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, एंड अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। तो बच्चों अब ये और ओ ए और आई विल से ओ डैश ए डैश, OA और O dash A dash both are parallel to each other, so this P point से O dash तक की जो line है ये intersecting line होगी. If this is the case then this angle and this angle will become alternate interior angles, so this angle will become theta. If this angle is theta then this angle will be total जो ये एंगल और इस एंगल का सम होगा वो 180 होगा. सो इसका हाफ विल बी द सिनेरियो. सो 90 माइनस थीटा बाय 2 राइट विल बी दिस एंगल. सो एक ट्रायंगल बनी है बच्चों यहाँ पे, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको विजुलाइज करवा देता हूँ. दिस एंगल इज थीटा, दिस इज अगेन थीटा, बट दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा बाय 2. ओके, एंड तीनों का सम जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए. सो 2 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू 180. एंड नाउ यू कैन ईजिली सॉल्व इट आउट दैट 3 बाय 2 थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा विल बी नथिंग बट इक्वल टू 180 बाय 3 दैट इज 60 डिग्रीज. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, यस बिल्कुल सही. एंड द आंसर विल बी 60 डिग्रीज गाइज, 60 डिग्रीज. यस ओके, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फटाफट से सभी क्वेश्चंस आज हम फोड़ डालेंगे. ओके, एंड अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था. अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 2000 टर्न्स पर मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट. इतना डेटा देने के बावजूद दे हैव जस्ट आज के किस जगह पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सोलेनॉइड के अंदर. इट इज़ अ लॉन्ग सोलेनॉइड एंड वी ऑल नो दैट सेंटर पे जो सोलेनॉइड होता है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, और इस जगह पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. अगर डेटा ये इतना गिवन था, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड पूछ भी लेते तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व किया जा सकता था, बट हमें पता है कि यहाँ पे आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, उन्होंने इस कैलकुलेशन के अंदर इस कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों को नहीं डाला और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया कि कहाँ पे मैक्सिमम होगी. जो सोलेनॉइड के सेंटर पे जो फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है. सो ओवर हेयर द आंसर विल बी सी ऑप्शन. ओके ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. टैंक विद अ स्क्वायर बेस ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडल. द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज़ अ स्मॉल हिंज डोर ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. द टैंक इज फिल्ड विद वाटर इन one compartment and a liquid of relative density 1.8 in other compartment, both to a height of 5 meters. The force necessary to keep the door closed is approximately. So बच्चा पार्टी सिनेरियो ये है that this is the central door, आपने इसको as it is रखना है, and दोनों साइड पे लिक्विड जो है वो हमने फिल किया है up to same level. okay, so अगर ऐसा है तो एक तरफ तो बच्चों हमने वाटर फिल किया है, दूसरी तरफ हमारे पास जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी जो है, यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो डब्ल्यू कंसिडर करूँ तो इट विल बी 1.8 रो डब्ल्यू. सो अब बच्चों कितनी फोर्स हमें चाहिए? सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दैट F1 माइनस F2, बिकॉज प्रेशर जो होगा बच्चों बॉटम मोस्ट पोजिशन पे ये इसका प्रेशर ज़्यादा होगा. ठीक है, सो हमें ये डोर जो है इस डायरेक्शन में टर्न करने की कोशिश करेगा तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी. ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको आइडिया देता हूँ दैट दिस इज़ F1 कंसिडरिंग, आई एम कंसिडरिंग दिस इज़ F1 एंड लेट्स कंसिडर दिस इज़ F2. सो नेट जो आएगी एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2. सो फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, एरिया बराबर है बच्चों. ठीक है, सो P1 माइनस P2 इनटू एरिया विल बी इक्वल टू एफ नेट. नाउ प्रेशर कितना होगा बच्चों? इट विल बी इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू जी इंटू H माइनस रो डब्ल्यू जी इंटू H इक्वल टू F नेट यहाँ पे एरिया से एरिया हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो डिफरेंस जो आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 0.8 रो डब्ल्यू इंटू जी, राइट। 0.8 रो डब्ल्यू इज़ नथिंग बट 800, राइट, इंटू 10 इंटू हाइट बच्चों कितनी कंसिडर करवाई है, दैट इज़ 5, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज़ जो डोर है उसका एरिया दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 10 इंटू 10 रेस्ट पर -4 इज़ नथिंग बट एफ नेट। सो यहाँ पे अगर हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 39 न्यूटन्स, राइट। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं हम तो हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। द इलेक्ट्रॉन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड। सो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कंसिडर किया जाएगा बच्चों, यानी कि वेस्ट की तरफ हम करंट कंसिडर करेंगे, राइट। वेस्ट की तरफ हम करंट कंसिडर करेंगे और पाम रूल हम लगाएंगे यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। बच्चों सिंपल सी बात है, अगर नॉर्थ की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगी है तो इसका मतलब ये है कि हम पाम रूल लगाएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में करंट कंसिडर करेंगे और फोर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में यानी आगे की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर सीवी रमन अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट ऑन फेब्रुअरी 10, ही रिसीव्ड दिस नोबेल प्राइज। रमन इफेक्ट इज बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रमन इफेक्ट में उन्होंने बेसिकली इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो फाइंड आउट किया था। इट इज चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन अ लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स, राइट। सो दिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन काइंड ऑफ, ठीक है। रमन इफेक्ट बेसिकली हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, दिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। और मैंने आपको बताया था यस कि कुछ थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पेपर होगा, राइट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन वन डायमेंशन अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर्स कॉन्स्टेंट पावर पी। दैट power is given, the kinetic energy of the particle will be 15 joule after a time. So बच्चों simple सी बात है, work done is nothing but power into time and work done brings out change in kinetic energy. So delta of kinetic energy यानी change in kinetic energy will be equal to power into time. So change in kinetic energy बच्चों, initial kinetic energy जो है वो 0 है, final kinetic energy 15 joule है, इसका मतलब है change in kinetic energy will be equal to 15 joule and power that is given 1.5. टाइम वी नीड टू फाइंड आउट, टाइम विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। सो बच्चों आंसर यहाँ पे बहुत आसान, यहाँ पे आंसर्स देखने को मिल रहे हैं मुझे, काफ़ी सारे सही आंसर जो हैं वो बच्चे थ्रो कर रहे हैं। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ ट्रॉली ऑफ मास 200 किलोग्राम कैरिंग अ सैंड बैग ऑफ मास 20 kg इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनल horizontal track with speed 36 km/h. After a while, sand starts leaking out of the bag on the floor of trolley at a rate of 0.04 kg/s. What is the speed of the trolley after the entire sandbag is empty? Okay, so this is code 54 guys. This is code 54. And यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे अलग अलग आंसर्स जो हैं वो बच्चे दे रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये है that there is a trolley. This is a trolley. It is moving with, okay, yes, 36 km/h, or 36 किलोमीटर पर आवर इज़ नथिंग बट इसको अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मीटर पर सेकंड में मेरे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 10 मीटर पर सेकंड. ओके एंड यहाँ पे ही एक सैंड बैग जो है वो बच्चों था और इसमें से सैंड लीक हो रही है और वो सैंड लीक होके इस ट्रॉली में ही गिर रही है, यानी कि देयर इज़ नो चेंज इन द सिस्टम. ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो यहाँ पे बराबर रहेगा बिकॉज एक्सटर्नल नेट फोर्स जो है सिस्टम के ऊपर लग ही नहीं रही है किसी भी जगह से. सो इसका मतलब ये सभी जो फोर्सेज होंगी वो इंटरनल फोर्सेज होंगी और इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम जो है वही मेंटेन रहेगा फाइनल मोमेंटम के लिए भी. और अगर मास चेंज नहीं हो रहा है सिचुएशन के अंदर तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी. सो वेलोसिटी जो आएगी इस केस के अंदर वो आएगी 10 मीटर पर सेकेंड. दैट्स इट. सो सही आंसर जो होगा इसका वो बच्चों सी ऑप्शन होगा. राइट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़्यादा आसान था. नो देयर इज़ नो एरर इन दी क्वेश्चन. बिल्कुल परफेक्ट सही क्वेश्चन है बच्चों, बस खेल गए हैं वो आपके माइंड के साथ. ठीक है, इतना डेटा देके और वो इस बार क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से है जिसके अंदर डेटा उन्होंने काफ़ी दिया हुआ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ताकि आपके दिमाग के घोड़े जो हैं वो हर डायरेक्शन में दौड़ें, पर अल्टीमेटली उस डेटा का यूज़ बहुत ही कम क्वेश्चंस के अंदर करना पड़ा आपको. और यहाँ पे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हों. राइट, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन भी हम मॉक टेस्ट के अंदर, रिवीजन फेस्ट के अंदर और बार बार काइनेमेटिक्स का जब भी पेपर होता था या क्वेश्चन होता था या सेशन होता था उसके अंदर मैं ज़रूर इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है ज़रूर लेके आता था. राइट, सो ये क्वेश्चन जो है मुझे लगता है सब बच्चे सही करके आए होंगे. पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन स्टार्ट्स मूविंग अंडर एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर. द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड्स आर. सो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है बच्चों. मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो उस सिचुएशन के अंदर आपको यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जरूर बनाना चाहिए यूजिंग दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. And it is quite easy to draw this velocity time graph using this particular acceleration time graph. पर पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें दो questions पूछे हैं उन्होंने, हमें पूछा है velocity भी find out करनी है और displacement भी. तो let's find out velocity first because area under curve of acceleration time graph gives us velocity, change in velocity rather, right? So delta V is equal to area. एंड ओवर हेयर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो एरिया है दिस एरिया पॉजिटिव एरिया जो आता है दैट इज़ नथिंग बट 12 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एरिया कम्स आउट टू बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. राइट, बिकॉज बट दिस एरिया इज़ नेगेटिव. सो डेल्टा वी हमने यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है तो बड़े आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. डेल्टा वी विल बी इक्वल टू positive area that is 12 minus this area 6. So 6 meter per second will be the total change in velocity. So because initially ये rest पे था, v initial is equal to 0. So v final minus v initial will be equal to 6 meter per second. So यहाँ पे आप easily sort out कर सकते हो that v final will be equal to 6 meter per second. That at 6 second. 6 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो 6 मीटर पर सेकंड होगी, यानी कि ए और बी ऑप्शंस में से करेक्ट होगा कोई. बट ओवर हेयर ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. कैसे? अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की. यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ पे हो जाएगा कि किस तरह से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना था. बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ कॉन्स्टेंट सो और इनिशियली पॉजिटिव है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी. फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगी वेलोसिटी बच्चों, अप्रॉक्सीमेट कुछ ऐसा रहेगा सिनेरियो. एंड फाइनल वेलोसिटी ये रहेगी. सो इनिशियली 12 एरिया आया था, 12 वाज द एरिया. सो इसका मतलब है इस केस के अंदर एक्सेलरेट होके इनिशियली रेस्ट से वेलोसिटी जो है वो 12 हुई होगी. सो इसका मतलब है ये फाइनल हाइट जो आएगी इट विल बी 12. राइट, एंड दिस वाज 6. सो फाइनल वेलोसिटी 6 पे रुक जाएगी. सो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. राइट, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. अब आपने एरिया अंडर कर्व निकालना है इस ग्राफ का. एंड यहाँ पे मैं टाइम्स जो है वो आपको बता देता हूँ. दिस इज़ 0, दिस इज़ 3, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6. सो अब बच्चों इस शेप का एरिया अंडर कर्व आपको फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया इजी रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज़ 3 इंटू 12 प्लस रेक्टेंगल का एरिया दैट इज़ 12 इंटू 2 प्लस ट्रपेजियम का एरिया, दिस इज़ अ ट्रपेजियम राइट। इस ट्रपेजियम का एरिया कितना रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज़ 6 + 12, 12 + 6 / 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स दैट इज़ 1। सो यहाँ पे जो कंप्लीट एरिया होगा, एरिया विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 51 मीटर्स। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस वॉज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बट इट वॉज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन राइट, एंड रादर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इज गिवन बाय दिस, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कंसिडर 2 स्टार्स, दो स्टार हैं बच्चों, ईच ऑफ मास m इनिशियली सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एंड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच में होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। द 2 स्टार्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल gravitational attraction. The stars can be treated as point objects and the motion is assumed non-relativistic as measured from the laboratory frame. The speed of each star when they are at a distance of d by 2 apart from each other is. So बच्चों, initially क्या game है, initially दोनों stars जो हैं वो d distance पे हैं, d distance पे हैं, दोनों का mass equal है, और फिर उसके बाद हमें दोनों की velocity find out करनी है जब इनके बीच में d by 2 distance है राइट। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी राइट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इसका मतलब ये है दैट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, दैट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी initial must be equal to final potential energy plus kinetic energy final right। नो प्रॉब्लम, बहुत आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको सामने दे दिया है बच्चों, नेगेटिव। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको आइडिया ज़रूर होगा दैट ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है। ठीक है, सो दोनों मासेस माइनस जी m1 m2/r, यहाँ पे मैं मासेस क्योंकि इक्वल हैं तो m² लिख दूंगा, और इनिशियल जो डिस्टेंस है दैट इज़ d। सो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ 0, एंड फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू अगेन माइनस g m² / d/2 प्लस, दो स्टार्स हैं, 2½ mv²। सो यहाँ पे लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर, मतलब थर्ड मतलब रेस्ट पे हम हैं अगर, तो इनकी वेलोसिटीज़ आपने बतानी है राइट। सो सिनेरियो ये रहेगा फाइनली, क्योंकि सिस्टम में 2 स्टार्स हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करेंगे हम। नाउ दिस इज़ क्वाइट इजी क्वेश्चन, ये d/2 विल बिकम 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, एंड व्हेन इट विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड देन हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 2, सॉरी चलिए मैं लिख देता हूँ, 2g m² d - g m² d = mv² because 2 and 2 will be cancelled out and now m will be cancelled out। और यहाँ पे अगर हम देखें तो v स्क्वायर जो है आप देख सकते हो, v स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी इक्वल टू g m/d राइट, एंड v will be equal to √g m/d। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा बच्चों दैट विल बी ए ऑप्शन, दैट विल बी ए ऑप्शन। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, यहीं पे हमारे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जो हैं आई थिंक ओके नो, देर आर पेंडिंग क्वेश्चंस. अभी अभी हमारे पास सिंगल करेक्ट के और क्वेश्चंस भी हैं. या ज़रूर आएगा एनएसईजेएस का नया बैच भी आएगा, डोंट वरी. अभी तो बच्चों फर्स्ट स्टेज क्लियर हुई है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हुआ है, फर्दर स्टेजेस अभी पेंडिंग है. सो अभी पहले उनकी प्रेपरेशन चलेगी. An engine approaches a vertical cliff with constant speed of 72 किलोमीटर पर आवर. बच्चों ये एक वर्टिकल क्लिफ है और देर इज़ अ व्हीकल राइट जो कि मूव कर रहा है और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर. रादर इसको हम 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, दैट विल बी नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड, राइट. एंड व्हेन द इंजन इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.7 किलोमीटर, यानी कि 700 मीटर का जो डिस्टेंस है क्लिफ के बीच में और इस व्हीकल के बीच में इनिशियली, तो इस टाइम पे ये एक विसल ब्लो करता है. द ड्राइवर हेयर्स द एको आफ्टर अ टाइम. कितने टाइम के बाद एको सुनाई देगी? सो बच्चों सपोज करते हैं हम टी टाइम के बाद एको सुनाई देगी, तो ये जो व्हीकल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा आफ्टर टी टाइम. सो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, दैट विल बी 20t, राइट. और साउंड जो है यहाँ से प्रोड्यूस हुई, साउंड यहाँ पे जाएगी, टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट होगी, और जितने टाइम में ये व्हीकल यहाँ से यहाँ पे पहुँचा उतने टाइम में साउंड ने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है. सो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है बच्चों, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस व्हीकल विल बी 20t, राइट, बिकॉज टी टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा व्हीकल, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ 20t. एंड जो साउंड ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 700 मीटर्स माइनस 20t इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड से टी टाइम के अंदर साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है. बच्चों पार्टी ध्यान से सुन लीजिए, साउंड की स्पीड है 330, टी टाइम के अंदर एको सुनाई दी हुई है हमें, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी साउंड? 330 into t. नाउ एक्चुअली ये डिस्टेंस है कितना? दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं 700 मीटर और 700 मीटर में से ये 20t डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्चुअल में साउंड के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेरे पास आ जाएगा. एंड नाउ द गेम इज़ वेरी ईजी. दिस इज़ 1400 इक्वल टू 20t उधर भेज देते हैं, 350t आ जाएगा बच्चों, और t विल बी इक्वल टू 1400 बाय 350, दैट विल बी इक्वल टू आई थिंक 20/5, दैट इज़ 4 seconds, राइट. सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. चलिए बच्चे अगली प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इस तरह के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हुए हैं. एग्जैक्टली बच्चों एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब के सेशंस में, क्लासेस में तो 101% ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते ही करते हैं, ठीक है. इससे काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बट यूट्यूब पे भी हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं. सो अगर आप हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हुए थे तो आपने ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो देखा होगा. चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या है? अ वेसल कंटेन्स अ लिक्विड 1 ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब over a liquid 2 of density 13.6 gram per centimeter cube. The two liquids are immiscible. A homogeneous solid sphere floats with half of its volume immersed in liquid 1 and other half liquid 2. The density of the material of the sphere in gram per centimeter cube is. So basically बच्चों पार्टी हमें ये दिया हुआ है कि दो liquids हैं, उनकी densities हमें given है. The two liquids are immiscible, so they will be जो कम density का liquid होगा वो ऊपर होगा और ज़्यादा density का liquid जो है वो नीचे होगा. So scenario will be something like this. Right? Homogeneous solid sphere floats with half of its volume immersed in liquid 1 and other half in liquid 2. तो इसका मतलब है यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है जिसका आधा वॉल्यूम जो है वो लोअर लिक्विड के अंदर है और आधा अपर लिक्विड के अंदर है वॉल्यूम. द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यू नीड टू फाइंड आउट. नाउ द सिनेरियो इज दिस बच्चों, इसका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट होगा सॉलिड ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय the two buoyancy forces, right, F1 and F2, right? So mg will be equal to F1 plus F2. So यहाँ पे हमें बेसिकली डेंसिटी ऑफ द मटेरियल फाइंड आउट करनी है. सो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, डेंसिटी इन ऑफ द मटेरियल इनटू वॉल्यूम इनटू जी मस्ट बी इक्वल टू बायंसी फोर्स, पहले लिक्विड के कारण जो बायंसी फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू ρ1 v बाय टू जी प्लस ρ2 v बाय टू जी, क्योंकि बच्चों हाफ लिक्विड 1 के अंदर है वॉल्यूम और हाफ लिक्विड 2 के अंदर है. इसका मतलब है सॉलिड ऑब्जेक्ट, यानी कि वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ होगा दोनों लिक्विड्स का वो इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेस हुआ होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, राइट. सो यहाँ से वी जी कैंसल आउट हो जाएगा. सो डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 बाय 2. नाउ बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन गया है हमारा. 13.6 प्लस 0.8 बाय 2, यानी कि दिस विल बी 14.4 बाय 2 and it will be equal to 7 by 2, right, gram per centimeter cube. So this will be the answer, this will be the answer. Okay, so 7.2 will be the correct answer guys, right. चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारे सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ओवर हो चुके हैं. एंड नाउ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस के वाले क्वेश्चन जो हैं हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ओके, सो this is the first question. Okay, two blocks m1 and m2 of masses 3 kg and 6 kg respectively are connected through a string and spring balance b1. This one is b1, and the string passes over a massless and frictionless pulley p. The pulley is suspended from a rigid support through spring balance b2. Strings are massless and inextensible, यानी कि spring और string सभी massless है बच्चों, ठीक है, frictionless pulley है. ओके, the masses of spring balance are negligible. Sorry, the system is released from rest at the instant when masses m1 and m2 are moving with same speed. Now out of these options which one will be the correct answer? Now the thing is this बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है, जैसा हमें क्वेश्चन ने बताया है, the system is released from rest at the instant when the masses m1 and m2 are moving with same speed. ये कब होगा, ये कब होगा बच्चा? पार्टी जैसे ही रिलीज करेंगे ना, एक्चुअली क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है एक्सपैंड करेंगे और इनके अंदर ऑसिलेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी. फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ऑसिलेशंस बंद हो जाएंगी, एंड वेलोसिटी सेम होने का मतलब, स्पीड सेम होने का मतलब ये है दैट जिस स्पीड से ये नीचे जा रहा है उस स्पीड से ये ऊपर जाएगा मास, क्योंकि हमें पता चल रहा है दैट m2 इज 6g, ठीक है. सो इसका मतलब है ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी अगेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. यहाँ पे वेट जो होगा वो होगा 6g, एंड यहाँ पे जो वेट होगा दैट विल बी 3g. एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. बच्चा पार्टी सेकेंड मज़े की बात ये होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा, दैट जो टेंशन होती है, ठीक है, जब ये स्प्रिंग जो है ऑसिलेशंस ख़त्म हो जाएंगी इनकी और दोनों मासेस जो है एक सेम स्पीड से मूव करने स्टार्ट कर देंगे, तो उस केस के अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होती है, यानी कि आप स्प्रिंग को भूल के स्ट्रिंग कंसिडर कर सकते हैं और स्ट्रिंग की टेंशन ही रीडिंग आएगी स्प्रिंग की. ओके, सो यहाँ पे हम दोनों मासेस की फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं, एफबीडी बना लेते हैं. सो इसकी एफबीडी अगर हम कंसिडर करें, सो इक्वेशन में लिख रहा हूँ बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन लगेगी, राइट, टी टेंशन विल बी देयर. सो पहले 6g माइनस टी मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड टी माइनस 3g विल बी इक्वल टू 3a, राइट. टेंशन यहाँ पे क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसलिए टेंशन ज़्यादा होगी. बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है. अब जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो टी की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ रीडिंग ऑफ b1. b1 की रीडिंग जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4 किलोग्राम वेट, यानी कि 4g न्यूटन आएगी, और 4 किलोग्राम वेट के इक्वल आएगी। आप ये दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप जब सॉर्ट आउट करेंगे, ओके राइट। फिर उसके बाद बच्चों अगर आप सॉर्ट आउट करें फर्दर, एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा इस केस के अंदर, बिकॉज टेंशन हमारे पास 4g आई है, तो एक्सेलरेशन की बात करें अगर, तो सबसे पहले इक्वेशन 2 को हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 को कंसिडर कर लेते हैं। तो 4g - 3g इज इक्वल टू 3a, सो a विल बी इक्वल टू g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये है बच्चों, सबसे पहली बात तो b ऑप्शन करेक्ट हुआ, b1 की रीडिंग जो है वो 4 किलोग्राम वेट आएगी, और एक्सेलरेशन m1 का आ जाएगा बच्चों 9.8, दैट इज g/3, 9.8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड रीडिंग ऑफ b2 जो होगी वो कितनी होगी बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, ठीक है ना। जो b2 की जो रीडिंग होगी, ये गलत है, b2 की जो रीडिंग होगी एक्चुअल में वो होगी 2t के इक्वल, एंड 2t जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8g, ठीक है, 8g के इक्वल होगा ये। ओके, कोड 52 में ये सिंगल करेक्ट में है, ओके कोई बात नहीं है बच्चों, कोई बात नहीं है बच्चों, ज़रूर ये कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट किया जाएगा, कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट किया जाएगा, राइट। ऐसा टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। ओके 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 मैनी क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक दिस। ओके चलिए, डोंट वरी, कुछ ना कुछ ज़रूर सॉर्ट आउट होगा बच्चों, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बाड़ी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस, बच्चों ये क्वेश्चन एज इट इज कुछ दिन पहले हमने मॉक टेस्ट के अंदर YouTube पे YT पे करवाया था, ठीक है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस and a plane mirror is kept at 20 centimeter on the other side as shown in the figure. Now you need to find out the things. Now the thing is this बच्चा पार्टी, यहाँ पे बल्कि हमने थोड़ा सा इससे अलग लेवल का क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा इससे भी आगे का लेवल का क्वेश्चन था बच्चों। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पहले होगा लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद मिरर करेगा रिफ्लेक्शन, ओके। सो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ, एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर, ओके। वी इमेज हमें नहीं पता है, हम वी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 - 1/15 सिनेरियो में रहेगा, और यहाँ पे v की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 150, 15 - 10 दैट विल बी 5/150, and v will be equal to 30 सेंटीमीटर, राइट, v will be equal to 30 सेंटीमीटर, ओके। अगर v 30 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसकी जो इमेज बननी चाहिए वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि मिरर रखा हुआ है ओरिजिनली, ये 30 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए इमेज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो जितना डिस्टेंस पे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और ये रियल जो है वो इमेज बनेगी इसकी। एंड जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर से इमेज बनती है। यानी कि अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ओ डैश कंसीडर कर लेते हैं हम, ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि बेसिकली इस लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज होनी चाहिए थी, तो ये ओ डैश पे इमेज बननी चाहिए 30 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द लेंस, बट मिरर से ये 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। सो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी फर्दर 10 सेंटीमीटर पे ही बननी चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद, यानी कि यहाँ पे, यानी कि 20 सेंटीमीटर के हाफ पे, यहाँ पे हमारे पास क्या बननी चाहिए, फाइनल इमेज बननी चाहिए, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड 10 centimeter in front of the mirror. So the final image is formed at a distance of 30 centimeter from the lens means 10 centimeter behind the mirror. ये final image नहीं है बच्चों, ये बनेगी हमारी final image. So A option will be the correct answer. And बच्चों यहाँ पे अगर magnification की बात करें तो real image बनेगी, real image की magnification negative होती है, और अगर आप ratio लें V और U की तो V इज़ 30 सेंटीमीटर एंड U इज़ 15 सेंटीमीटर। सो अगेन यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आएगी वो 2 आएगी एंड V बाई U इज़ दी मैग्नीफिकेशन एंड नेगेटिव में इसलिए आई बिकॉज रियल इमेज बनेगी ये। सो दिस इज़ द सिनेरियो, राइट। या आंसर शुड बी A एंड C गाइज, आंसर शुड बी A एंड C। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बच्चा पार्टी यहाँ पे गिवन है हमें एक स्टार शेप में एक रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर या सर्किट, गिवन नेटवर्क ऑफ 18 रेजिस्टर्स ईच इक्वल टू आर दैट इज इक्वल टू 3 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर आर नॉट टू अ सोर्स ऑफ EMF इक्वल टू 9 वोल्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपने ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। ओके नाउ बच्चा पार्टी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए सिंपल सी बात, अगर हम ए और बी की पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं उसके बाद चीज़ें फाइंड आउट करनी बड़ी आसान हो जाएंगी। ऑप्शंस आर देयर, बट सबसे पहले हम इसको स्टार स्ट्रक्चर को, सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों हर रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम की है। ओके तो उस सिचुएशन के अंदर बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अगर हम एक सेक्शन कंसिडर करें, ये सेक्शन कंसिडर करते हैं, ये सेक्शन कंसीडर करते हैं, ये इस सेक्शन के अंदर ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो उस सिचुएशन के अंदर ये दिस कैन बी रिटन एज 2R एंड R के साथ ये पैरेलल में हो जाएगा तो ये 2R/3 इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा। इसी तरह से ये भी 2R/3 इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलेगा, 2R/3। अगेन सिमिलरली दिस विल बी 2R/3 एंड दिस विल बी 2R/3 बिकॉज दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड देन ये इस R के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 2R और R का कॉम्बिनेशन बनेगा पैरेलल, 2R/3 आंसर आ जाएगा, है ना। ये छोटे छोटे सेक्शंस के अंदर आ गया। अब बच्चों बात करें, अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको बताता हूँ, बना के दिखाता हूँ। ये दोनों जो आपस में, रादर हम पहले इसको डील करते हैं, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, तो ये दोनों 2R/3 मिलके 4R/3 सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इफेक्टिव बना देंगे। सो अब बच्चा पार्टी अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं, हम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं दैट दीज 2 आर दीज रेजिस्टेंसेस, दिस इज आर एंड दिस इज पॉइंट बी सपोज, एंड देर इज अगेन अ रेजिस्टेंस आर ओवर हेयर एंड देर इज रेजिस्टेंस Four R/3 here, resistance is 4R/3 and यहाँ पे resistance आएगा this is A, this is R, this is R, this is R and this is R. ये बन गई है सिमिट्री बच्चों। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल सिमिट्री, यहाँ से अगर मैं सर्किट को कट करूँ तो ऑब्वियसली बात है जो भी वर्टिकल लाइंस हैं उनके ऊपर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। यानी यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वी डैश सेम होगा। तो हम सेम पोटेंशियल पे तो करंट दौड़ता ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों रेजिस्टेंसेज जो होंगी वो यूजलेस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि अब स्टार सर्किट हमारा जो है वो बस इतना सा बच गया है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो R प्लस 4R/3, हर रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम का है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे मीनिंग ये हुआ दैट थ्री ओम, 4 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 3 ओम, दिस विल बी ए। और ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 10 ओम, 10 ओम। एंड बी और ए के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बना दैट इज नथिंग बट 5 ओम। अगर मैं अब इस सर्किट को कंप्लीट को रीड्रॉ करूं तो ये जो पूरा सर्किट बनेगा, मैं बहुत सिंपल सा सर्किट यहां पे बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये सर्किट रहेगा हमारा, दिस विल बी 5 ओम एंड दिस विल बी 1 ओम एंड दिस इज 9 वोल्ट, राइट। सो इतना सिंपल सा सर्किट है। अब बच्चों पार्टी यहाँ पे क्वेश्चंस आप पढ़ते चले जाइए, यू कैन इजीली सॉर्ट इट आउट। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 1.5 एम्पियर। देख लेते हैं बच्चों, देखिए 5 ओम ये है, 1 ओम ये है, दोनों सीरीज के अंदर है। तो करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू V/R and V is 9 and R is 6, so over here 3/2, यानी के 1.5 ampere will be the current drawn from the battery, right? It will be current drawn from the battery. Okay, this is done. Potential difference between A and B is 7.5 volt. बच्चों A और B के बीच में, यानी कि ये पॉइंट जो होगा this पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये ए आ जाएगा पॉइंट और ये आ जाएगा बी। इसमें से जो करंट गुजरेगा बच्चों, वो करंट कितना होगा, दैट विल बी 1.5। अगर करंट गुजर रहा है यहाँ से 1.5 एम्पियर करंट गुजर रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ए और बी के अक्रॉस जो होगा वो कितना होगा, 1.5 × 5, दैट इज 7.5 वोल्ट। ओके, सो हमारे पास बी ऑप्शन भी करेक्ट जाएगा। और सिमिलरली बच्चों आप अगर इलेक्ट्रिकल पावर निकालेंगे तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सो डी ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके, जब आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक। सो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चा पार्टी, अगला क्वेश्चन, two bodies of masses m1 that is 2 kg and m2 that is 1 kg are moving towards each other in the same straight line with speed 12 meter per second and 6 meter per second respectively as shown in the figure. The bodies can be assumed as point masses. After some time the two bodies undergo elastic collision. बच्चों elastic collision हो रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो आपने बताना है टू बॉडीज़ मेयरली एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज़ एंड सो ऑन। बच्चों वेलोसिटीज़ तो एक्सचेंज नहीं होंगी, बिकॉज रीज़न ये है, बिकॉज वेलोसिटीज़ एक्सचेंज तभी होती हैं जब इलास्टिक कोलिजन हो और मासेस इक्वल हो। सो ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग, राइट, ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सेकेंडली इलास्टिक कोलिजन अगर होता है बच्चों तो इनिशियल मोमेंटम, बच्चों कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन हो तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर ही रहेगा हमेशा। सो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा मैं ये बता देता हूँ आपको। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 रादर m1u1 लिखते हैं बच्चों, m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2. वेलोसिटीज़ कंसिडर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्योंकि एक पार्टिकल जो है पहला मास जो है दैट इज़ 2 of 2 kg एंड वेलोसिटी उसकी है 12. माइनस में रखेंगे बच्चों दूसरा पार्टिकल क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी थी. 1 kg इज़ द मास एंड वेलोसिटी जो है वो है 6 इज इक्वल टू m1 is 2v1 प्लस 1 into v2. सो ये वेक्टर फॉर्म में ही है. ये अभी हमें आइडिया नहीं है कितनी वेलोसिटीज़ होंगी. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से भी आइडिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा. सेकेंडली बच्चों, सेकेंडली इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर. ये दो इक्वेशंस यूज़ करते होते हैं बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द सिस्टम. दीज टू इक्वेशंस आर यूज्ड. एंड बच्चों एक फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो वेलोसिटीज़ की वैल्यू आती है या फॉर्मूला जो आता है, दैट इज़ आई मस्ट हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, दैट इज़ v1 अगर फाइंड आउट करना है तो m1 माइनस m2. यस, बी एंड सी विल बी करेक्ट. यस करेक्ट, डी नहीं है. ठीक है, u1 प्लस 2 m2u2 ओवर m1 प्लस m2. अब यहाँ पे अगर मैं v1 डायरेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ बच्चों तो m1 माइनस m2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू u1 दैट इज़ 12 माइनस, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे v विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 6 ओवर दोनों मासेस एडअप करने हैं हमने 3. सो v1 का जो फॉर्मूला होता है फाइनली आता जो है बच्चों दो इक्वेशंस का मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो आता है m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2. बट क्योंकि डायरेक्शन भी ध्यान में रखनी है बच्चों, वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है तो एक नेगेटिव में आएगा. बस इतनी सी बात को आपने ध्यान में रखना है. ठीक है, सो ये जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास v1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि पहला मास जो है वो रेस्ट पे होगा. सो m1 कम्स आउट टू बी एट रेस्ट, राइट. v2 अगर फाइंड आउट करना है तो बच्चों m1 की बजाय 2 सबस्क्रिप्ट चेंज कर दिए जाते हैं, यानी m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 ओवर m1 प्लस m2. सो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, v2 फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा एंड डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी. मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ इस चीज़ को, राइट. m2 is nothing but 1 kg minus m1 is 2 kg and u2 initially बच्चों it was 6, right, with negative sign plus 2 into 2 and साथ में बच्चों u1 आएगा that will be 12 over 3. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 18 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव में आंसर आएगा. जब पॉजिटिव में आंसर आएगा तो इसका मतलब ये है m2 की डायरेक्शन फाइनल टूवर्ड्स राइट होगी. सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और बच्चों हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पे बी एंड सी रहेगा. सो बच्चा पार्टी दैट्स इट. सो हाउ वाज योर एग्जाम? जस्ट लेट मी नो हाउ वाज योर एग्जाम. How was your exam? Just let me know, bacha party. ऋषभ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. डेफिनेटली जस्टिस होगा 52 कोड के साथ. कट ऑफ बच्चों तीनों सब्जेक्ट्स का सोच लें ज़रा, समझ लें. हम भी बस जस्ट सॉल्विंग आपके सामने लेके आए हैं. अभी बायो और केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो अभी मिलके डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर दैट विल डेफिनेटली लेट यू नो कि क्या कट ऑफ रहना चाहिए, राइट ओके 80, 84 मनीत 89. ओके कोई बात नहीं, अभी अभी फाइनल आंसर की भी आ जाने दीजिए बच्चों, ठीक है. ऑफिशियल आंसर की भी आ जाने दीजिए. आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स बच्चों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो प्रेपरेशन आपने की थी इसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में 101% होगा. बहुत अच्छे लेवल पे आपको फ़ायदा होने वाला है, राइट. और ये चीज़ आप फील करोगे, 100% फील करोगे. नो मैटर वेदर यू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम और नॉट, बट इफ़ यू प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर दिस एग्ज़ाम तो आपको ज़िंदगी में फ्यूचर में ज़रूर फ़ायदा होने वाला है. ओके सो एंड यू विल डेफिनेटली फील इट. यू विल बी इन टॉप 15% ऑफ ओवरऑल इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं. अभी इस मोमेंट पे आप 15% में हैं बच्चों, टॉप के 15% स्टूडेंट्स में, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की थी तो. सो वेरी नाइस बीना. दक्ष डोंट वरी, कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा आईएपीटी के द्वारा, डोंट वरी. ओके सो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं. और बच्चों जस्ट बी रिलैक्स नाउ, यू हैव गिवन योर एग्जाम, यू हैव गिवन योर बेस्ट, राइट. जो हो सकता था आपने उतनी कोशिश की है, ठीक है. अब थोड़े टाइम के लिए आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है. रिलैक्स होइए, अच्छे से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अच्छा खाना खाइए, राइट. यू हैव वर्कड हार्ड अ लॉट, right, and paper according to me, physics was of okay level. It was not very tough, but it was a bit tricky to some extent we can say, ठीक है. बट अगर आपने हमें YT पे फॉलो कर रहे थे बच्चों तो डेफिनेटली आपको फिज़िक्स बहुत आसान लगी होगी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, हर कॉन्सेप्ट लगभग हमने टच किया हुआ था, right, बहुत बार डिस्कस किया हुआ था, right. चलिए बच्चों, that's it from my side. See you, bye bye. Take care, bacha party.